So, a very very good morning to all of you. दोस्तों आज रविवार की सुबह है और आप सबके ये खुशनुमा चेहरे देखता हूँ ना तो मुझे एक बात याद आती है. इस बार कश्मीर के श्रीनगर के तुलिप गार्डन में सुना है 15 लाख से ज़्यादा तुलिप खिले. आज मुझे ऐसा लगता है वो 15 के 15 लाख तुलिप आके यहाँ खिल रहे हो. ऐसे आपके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं. और इसका मुख्य कारण क्या है पता है? हर रोज हम सुबह को कहाँ जाते हैं? हम सुबह को हमारे अस्पतालों में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ हमको दवाइयों के वाइब्रेशंस आते हैं जिनको मैं दवाई वाइब्रेशन कहूँगा. लेकिन यहाँ आज हमें डिवाइन वाइब्रेशंस आ रहे हैं. तो ये जो डिवाइन वाइब्रेशंस है शायद उसकी ये असर है कि आप सबके चेहरे इसके मुस्कुरा रहे हैं. दोस्तों वैसे तो हम डॉक्टर्स समाज की सेहत के रखवाले हैं लेकिन बहुत दर्द से कहना पड़ता है कि हमारे डॉक्टर्स की सरेराश जो लाइफ स्पान है, जो सरेराश आयुष्य है, वो आम लोगों के सरेराश आयुष्य से 9 साल कम है और ये ऑथेंटिक है. तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण है और दैट इज व्हाई वी ऑल आर गैदर्ड टुगेदर ओवर हियर कि हमें इस जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ, बाकी सब स्ट्रेस तो सबको सेम होते हैं लेकिन हमारे डॉक्टर्स की लाइफ में एक और स्ट्रेस है और वो है प्रोफेशनल स्ट्रेस. तो ये व्यावसायिक तनाव है. इस तनाव से मुक्त होने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे लिए सुनहरा मौका है कि मनुष्य के मन की गहराई के और मन के रहस्य को जानने और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह दुरुस्त रखने के उपाय बताने के लिए आज हमारे बीच दो ऐसे व्यक्तित्व है कि मैं समझता हूँ ये दोनों को साथ पाने के लिए केवल आपको प्रारब्ध की भी जरूरत नहीं है, आपको शिव बाबा की कृपा चाहिए. और आज हम सब डॉक्टर्स को शिव बाबा की कृपा भी प्राप्त हुई है और हमारे प्रारब्ध में भी लिखा था, हम बहुत खुश नसीब है. तो शीघ्र ही दोस्तों कुछ लोगों ने शायद सुनी हो, जब तक ये सेट हो जाए मैं मेरे मन के विचार कहूंगा कि एक गजल थी जगदीश चित्रा की कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अब मैं राशन की अभी हमारा जो जीवन है तो मैं इसको थोड़ा बदल के ये अक्सर बोलता हूं कि अब मैं अस्पतालों की कतारों में नजर आता हूं. अब मैं अस्पतालों की कतारों में नजर आता हूं, अपने विचार विहार और आहार के नियमों से बिछड़ने की सजा पाता हूं. कुछ ऐसा ही हालत है हमारे. तो अब मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, पूज्य रंजन निधि, आपको विनंती करूं कि आप कृपया पधारिए और आसन ग्रहण करें. हम 2 मिनट के लिए परमात्मा को याद करते हैं आंखें बंद करके, बिल्कुल शांत बैठ के 2 मिनट के लिए एक गीत बजेगा, हम परमात्मा को याद कर लें.
शांति। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज हमारे जो दो मेहमान है उनमें से हमारे एक मेहमान है डॉक्टर मोहित गुप्ता सर। मैं उनका बायोडाटा जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि एक घंटा उनका बायोडाटा पढ़ने में लगेगा, इतने वो बड़े व्यक्तित्व के धनी है। लेकिन कुछ संक्षिप्त में उनके बारे में मैं बताऊंगा। ही इज़ करंटली वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली। ही इज ऑल्सो द कार्डियोलॉजिस्ट इन पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्सी। ही डीड पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलाइजेशन फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड लोक नायक हॉस्पिटल एंड जीबी पंत हॉस्पिटल। ही हैज ए डिस्टिंक्ट अचीवमेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 18 गोल्ड मेडल्स एंड 5 सिल्वर मेडल्स इन हिज मेडिकल कैरियर। सर, आपने कास्ट एकाध दो दूसरे किसी के लिए भी रखे होते। ही हैज बीन रिसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस डीपी बसु मेमोरियल अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बाय कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर गुप्ता इज ऑल्सो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर मैनी रिसर्च ट्रायल्स बींग कंडक्टेड ग्लोबली। डॉक्टर गुप्ता वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विथ एक्सलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 अवार्ड बाई ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर जे पी नड्डा। फॉर हिज एक्सलेंट रिसर्च इन जीनेटिक्स ही वॉज अवॉर्डेड बिशन स्वरूप यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 बाई ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हैज मोर देन 150 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। Recently, before few months, he was honored as a Agra Ratna for his social and medical activities by Chief Minister of Delhi, Mr. Kejriwal ji. And he has been associated with Brahma Kumaris World Spiritual University from his childhood, that is since more than 36 years. तो ये केवल संक्षिप्त में उनके बारे में था, लेकिन बहुत सरल व्यक्तित्व, सादा सीधा सरल व्यक्तित्व के स्वामी मोहित जी को आप सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सम्मोहित हो जाओगे। तो मैं वापी मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर जिगर रिसाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डॉक्टर मोहित जी का फूलों से स्वागत करें। डॉक्टर जिगर रिसाई। और तालियां मेरे ख्याल से बजती रहनी चाहिए जब हम उनका स्वागत करें। थैंक्स डॉक्टर जिगर भाई। और अब मैं आप और डॉक्टर मोहित जी के बीच में नहीं आना चाहता। डॉक्टर मोहित जी, प्लीज स्टार्ट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। सवेरे से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी का एक्सीलेटर दबता है बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ, और रात को आके ब्रेक लग जाता है नींद की गोली के साथ, एल्प्रेक्स के साथ। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, और सब कुछ होते हुए भी जीवन में कहीं ना कहीं सुख, चैन, शांति और आनंद की हमारे जीवन में दोस्तों कमी है। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ कि एक महात्मा बहुत सुंदर
सत्संग करता था, लेकिन जब एक दिन वो सत्संग करा रहा था तो बहुत सारे ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, तभी भूकंप बहुत तेज आ गया और जैसे ही भूकंप आया तो लोग उठकर उस सभा से भागने लगे, दौड़ने लगे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, सभी जान बचा के भाग रहे थे। लेकिन वो महात्मा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो आराम से अपनी सीट पर अपने आसन पर बैठा रहा, बड़ा शांत चित्त था। तो जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया था उसने कहा, ऐसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के साथ तो अगर प्राण भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं भी रुक जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब भूकंप रुका तो महात्मा ने अपना प्रवचन फिर आरंभ किया, तो वो जजमान उसके पास आया और बोला कि रुकिए महात्मा जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि जब अभी भूकंप आया तो सब लोग भाग रहे थे, लेकिन आप तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा क्यों? तो वो मुस्कुराने लगा, उसने कहा कि बेटा वो भी भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था। तो उसने कहा, ऐसा कैसे महात्मा जी? कहते हैं बेटा फर्क यह है कि वो लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। तो उसने कहा, और स्पष्ट करिए महात्मा जी। तो उसने कहा, आज बेटा जीवन के अंदर जो मानव है वो तीन नावों पर सवार होकर भागता रहता है। देखिए अपने जीवन को, पहली जो नाव जिस पर हम सवार होकर भागते हैं वो है धन की नाव। सवेरे से लेकर शाम तक मानव धन कमाता है, भागता रहता है कि कुछ और ये रेस हमारे जीवन में समाप्त नहीं होती है। दूसरी नाव जिसमें हम सब पांव रखकर भागते रहते हैं वो है हमारी इच्छाओं और ना खत्म होने वाली प्राप्तियों की नाव। उसमें भी हम लोग भागते रहते हैं, एक चीज हमको मिलेगी वो भी खत्म हो जाएगी और फिर दूसरी हम इकट्ठा करने के लिए भाग लेंगे, है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके जीवन में आप अपनी अलमारी को खोल के देखिए तो कोई ऐसा कपड़ा है जिसका कई टाइम से नंबर नहीं आया है, तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, है ना। परफ्यूम भी होगा, कपड़ा भी होगा पक्का, है ना। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि जितना सामान हमने जीवन में बटोरा है क्या हमने उतना ही सुकून बटोरा है या नहीं, अपने आप से पूछो। तो ये हमारी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की नाव होती है। और तीसरी है हमारे संबंधों और हमारी स्वास्थ्य की नाव। लेकिन बेटा उसने कहा कि एक रास्ता, एक नाव हमारे अपने अंदर भी जाती है, हमारे मन के अंदर भी जाती है, वो है स्वयं की पहचान, स्वयं के अस्तित्व की पहचान, स्वयं के व्यक्तित्व की पहचान, स्वयं की शक्तियों की पहचान की नाव। लेकिन वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर हर व्यक्ति को स्वयं ही चलना पड़ता है। दूसरा उसका मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको उस तरफ एकम्पनी नहीं कर सकता। तो जब आज सब बाहर भाग रहे थे तो उस समय मैं स्वयं की पहचान, स्वयं के शांति पुंज के अंदर उस नाव के ऊपर सवार होकर मैं स्वयं की उस स्थिति में जा रहा था। तो आज हम सब भी अपने आप से पूछें कि क्या हमने भी अपने जीवन में इस प्रकार की यात्रा को करने का निर्णय किया है। हमने खूब प्राप्तियां की, हमने अपने पोजीशन, पावर, सब कुछ हमने अचीव किया, लेकिन मेरा प्रश्न केवल आप लोगों से एक है कि क्या आज हम अपने जीवन में खुश हैं? ये सोचने वाली बात है। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक प्रश्न रखूंगा और इस प्रश्न को आप सबको उत्तर देना होगा। इसका उत्तर जब आप देंगे तो आपका जीवन जो है आपके सामने एक मिरर की तरह, एक परछाई की तरह आपके सामने खुलकर आ जाएगा और सब लोग उत्तर इसका देंगे। प्रश्न बहुत सिंपल है और उसके तीन चॉइसेस, तीन उत्तर भी मैं आपको दूंगा, यदि कोई चौथा हो तो आप बता सकते हैं। और प्रश्न यह है, उसमें से एक उत्तर आपको चूज करना है कि हम अपने जीवन में कार्य क्यों करते हैं, व्हाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ। पहला है हम अपने जीवन में धन के लिए काम करते हैं, दूसरा है हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, और तीसरा है हम अपने जीवन में धन और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं, है ना। अब इस सभा में ऐसे कौन कौन है जो कहते हैं हम केवल धन के लिए काम करते हैं, उठाएंगे हाथ। धन जरूरी है, धन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो कोई ऐसा है जो केवल धन के लिए काम करता है? एनीबॉडी? कोई भी नहीं। कौन कौन इस जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए ऐसे। ऑलमोस्ट 15-20 लोग खुशी के लिए काम करते हैं, तो इन सब का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उत्तर चेंज भी कर सकते हो,
कौन कौन धन और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाओ। देखो ऐसा नहीं छोड़ना कि मैं छूट जाऊंगा, बीच का बिच्छू नहीं बनना, पूरा हाथ उठाना है। अच्छा ओके वंडरफुल, नीचे रखिए। अब आप देखो कि मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था। मैंने आपसे प्रश्न कहा था कि जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसके तीन उत्तर होंगे, चौथा हो तो आप दे सकते हो, मैं स्वीकार करूंगा। अब इसका उत्तर आप मुझे दीजिए कि जीवन में हमें खुशी के लिए काम करना चाहिए, जीवन में हमें खुशी से काम करना चाहिए। जोर से बताइए, खुशी से करना चाहिए। जब मैंने आपसे पूछा, किसी भी व्यक्ति ने इसकी तरफ अपना विचार नहीं दिया, क्योंकि यही हमारे जीवन की आज परिस्थिति, हमारे जीवन की समस्या है कि हर व्यक्ति खुशी के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति खुशी को प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। ये हम विस्मृति कर चुके हैं, ये हम भूल चुके हैं कि खुशी के पीछे भागने से खुशी हमारे पीछे नहीं आएगी, लेकिन खुशी को हमें हर पल अपने जीवन में क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम जीवन में रोज खुशी से काम करते हैं तो हमारा जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है। आज इसी कारण हमारे जीवन में वर्क और लाइफ का इम्बैलेंस होने के कारण, समन्वयता ना होने के कारण, कार्य की प्रति ज्यादा ध्यान देते हुए स्वयं के खुशी को हम लोग दांव पर रखकर, कहते हैं ना रोज अपनी खुशी को ही गिरवी रखकर खुशी की प्राप्ति में मैं चल देता हूं, अपने चैन को ही गिरवी रखकर हम लोग चैन की प्राप्ति में चल देते हैं। आज ऐसा हमारा जीवन दोस्तों बन चुका है। तो आज इस कारण आज हमारी लाइफ में दो शब्द सदा सदा के लिए हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं ना। आज जानते हैं वो दो शब्द कौन से हैं, दो शब्द जो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, वो दो शब्द हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है ना, हर व्यक्ति के साथ कि टाइम नहीं है बिजी हूँ, टाइम नहीं है बिजी हूँ। और आज आध्यात्मिकता, आज साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वो बिजी है, जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं बिजी हूँ, उस व्यक्ति के जीवन में तनाव 200% इंक्रीज हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस 100% यानी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए पिछले 40 वर्षों से मैंने कभी भी अपने जीवन में अपने साथ बिजी वर्ड को एसोसिएट नहीं होने दिया। मेरी दिनचर्या टिपिकली रात को 11 बजे 11:30 बजे समाप्त होती है और 3:15 बजे मेरी दिनचर्या आरंभ हो जाती है, 3:30 बजे 16-17 केस में ऑपरेट करता हूँ, सारा कार्य करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लेकिन कभी भी अपने मन को मैंने ये स्मृति ये संकल्प नहीं दिया कि मैं बिजी डॉक्टर हूँ। तो आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक सम्मान दूंगा, एक शक्ति दूंगा, जो इस शक्ति को आपको स्वीकार करके मेरे साथ पीछे पीछे बोलना है। सभी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ सभी बोलेंगे। हम वलसाद के अंदर हमारी मेडिकल कम्युनिटी में आज इस लाइन को हम लोग सदा सदा के लिए वायरल करेंगे। जैसे बिजी हूँ टाइम नहीं है टाइम नहीं है, ये नहीं बोलना है। आज के बाद दो शब्दों को बोलना है, बोलिए मेरे साथ साथ, आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं। देखो है ना बढ़िया, बिजी शब्द नहीं, एक और शब्द क्या छुपा हुआ है, बी इजी। जब आप बी इजी इनसाइड हो, बाहर की बिजीनेस मैटर नहीं करती है। ये हमारे जीवन का मंत्र है दोस्तों, ये केवल हमारी मनोस्थिति, हमारा माइंडसेट है। जो माइंडसेट हम बना चुके हैं कि हम अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड पर लेकर चल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए बिजी हूं, मुझे कार्य करना है इसलिए मैं बिजी हूं, और जो भी चीज इमरजेंसी मोड पर चलती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सीडेंट पर आ जाती है, कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर परेशानी हो जाती है। इसलिए आज के बाद बिजी हूं नहीं, मोबाइल को साथ में रखो, व्हाट्सएप फेसबुक पूरे टाइम चलना नहीं, मुझे कंफर्टेबल, मुझे आराम से। तो अगले एक घंटे की ये यात्रा आपके जीवन की दोस्तों सबसे अद्भुत यात्रा हो। जो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारी इसका एक नया परिपेक्ष, एक नया पर्सपेक्टिव मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अक्सर आज से 40-50 वर्ष पहले मेरे माता पिता भी डॉक्टर हैं, तो वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी के नाम से ही लोगों को एलर्जी हो जाती थी कि पता नहीं क्या करते हैं, आत्मा परमात्मा भाई बहन बना देते हैं। लेकिन पिछले 40 वर्षों में इस ज्ञान को, इस नॉलेज को
मैंने साइंटिफिक रूप से अंडरस्टैंड किया है, और साइंटिफिक रूप से अंडरस्टैंड करते हुए आज मैं एक एक शब्द जो उच्चारण करूंगा, जो मैं बोलूंगा आपके सामने, वो कंप्लीटली साइंस के आधार पर होगा। वो मेरी ओपिनियन नहीं होगी, लेकिन उस परमात्मिक ज्ञान को, उस शक्ति को मैं साइंस के रूप से आपके सामने रखूंगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी अद्भुत शक्तियों के आप स्वामी हैं, कितनी श्रेष्ठ शक्तियों के आप स्वामी हैं। आप अपने जीवन में जो भी रचना चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहें, आप कर सकते हैं। इतनी श्रेष्ठ शक्ति आज आपके पास है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। एक महात्मा था, वो महात्मा तपस्या कराते कराते दिन में दो बारी शीशे को देख लेता था। जब भी शीशा देखता तो दो बारी देखता और उसको रख देता। तो लोग बड़े परेशान होते, महात्मा जी की बड़ी अजीब सी आदत है कि शीशे को दो बारी देखते हैं। तो एक दिन लोग उसके पास गए कि महात्मा जी ये क्या है, आप दो बारी शीशे को क्यों देखते हैं, आपको अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आओ बैठो, मैं बताता हूँ। उसने कहा, बेटा जब भी मेरे जीवन में समस्या आती है तो मैं शीशे में पहली बार देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या दिखता है आप? तो उसने कहा, मुझे इस शीशे के अंदर मेरी समस्याओं का कारण कौन है, उसकी शक्ल, उसकी परछाई दिख जाती है। तो हंसने लगे, कहते महात्मा जी आपको तो अपनी शक्ल ही दिखाई देती होगी। कहते बिल्कुल ठीक बोलते, मेरे जीवन मेरी सारी समस्याओं का कारण कहीं बाहर नहीं, स्वयं मैं हूं। तो उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा, फिर आप दूसरी बारी क्यों देखते हो शीशे को? तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बेटा जब मैं दूसरी बारी देखता हूं तो मेरे जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है, समाधान किसके पास है, उसकी शक्ल दिखाई देती है। तो कहते हैं, महात्मा जी तब भी तो आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो, यदि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं तो सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। दैट इज व्हाई कहा जाता है कि अगर मैं अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करूंगा तो कुछ भी मेरे जीवन में दोस्तों परिवर्तन नहीं होने वाला है। इफ आई डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन माई लाइफ। इसीलिए हम लोग सुनते रहते हैं कि आपको सुना, हमने एक साल पहले भी सुना था, इनको हम रोज यूट्यूब पे सुनते हैं, इनको हम देखते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। दोस्तों ये नहीं चलेगा। आज के इस दिन पर, आज इसको हम परिवर्तन दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे। आज हमको अपनी लाइफ में एक कॉन्क्रीट चेंज लाना है, समझ के साथ लाना है, सुनने से नहीं। जो चीज सुनने में इतनी बढ़िया है, आप सोचो उसको बनने में कितना आनंद आएगा, कितना सुकून मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी, कितना मजा आएगा। तो दोस्तों आज की इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं, द मोस्ट रिवीलिंग जर्नी ऑफ योर लाइफ। आप में से कौन कौन स्वीकार करता है कि आपके संकल्पों का आपके भविष्य पर असर पड़ता है? हाथ उठाइए। सभी मानते हैं, वाह। अगर आप लोग ये मानते हैं कि आपके संकल्पों का आपके भविष्य पर असर पड़ता है, तो आप में से कौन कौन रोज उठकर अपने भविष्य का निर्माण करता है? है ना, कम हो गए ना हाथ, 99% लोग नहीं करते। आप जानते हैं कि आपके संकल्पों का आपके भविष्य पर असर पड़ रहा है, लेकिन जानते हुए भी हम अपने भविष्य का रचना नहीं कर पाते, और उसका कारण है lack of understanding, lack of spiritual power, lack of deeper powers of mind। और आज उन्हीं शक्तियों को आज मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक मानव मन एक दिन के अंदर 50,000 से 60,000 संकल्प उत्पन्न करता है। और साइंस कहती है, नेशनल साइंस फाउंडेशन सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि 95% हमारे विचार नेगेटिव, वेस्ट, रिपीटेटिव और पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। मानव सोचता रहता है, बिना पर्पस के सोच रहा है, बिना पर्पस के चल रहा है। और 95% जब हमारे विचार रिपीटेटिव और नेगेटिव हैं, केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं। तो आप सोचिए कि एक फैक्ट्री जिसमें 95% प्रोडक्ट्स यूजलेस हैं, उसको आप पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या नेगेटिव फैक्ट्री कहेंगे? बताइए, नेगेटिव फैक्ट्री। ये हमको बताता है कि क्यों हमारी लाइफ में सुख, आनंद और चैन हमसे कोसों दूर दोस्तों जा चुका है। और इसका कारण है क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन में हमको एक व्यवहार देते हैं। एवरी थॉट इन अवर लाइफ, एक एक विचार आपके जीवन में आपको एक व्यवहार देगा। आप किस तरह बिहेव करते हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं, मूड अच्छा होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा। और अगर पॉजिटिव बिहेवियर है तो भावनाएं कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी, खुशी वाली होंगी, मजेदार होंगी। इमेजिन करिए ना, जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है
उस दिन क्या होगा, उस दिन आप सब कुछ करना चाहेंगे, आप खुशी से सब कुछ अचीव करेंगे, आप सब कुछ लोगों की गलतियों को भी माफ करेंगे। लेकिन जिस दिन मेरा मूड खराब है, मन खराब है, विचार नकारात्मक हैं, उस दिन मेरी भावनाएं भी नेगेटिव और नकारात्मक हो जाती हैं। अर्थात हमारे जीवन का जो एसेंस है, हमारे जीवन का जो मूल क्रिएशन है, दैट इज बाय अवर ओन थॉट्स, हमारे विचारों के द्वारा है। और आज इसी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। तो पहला प्रश्न साइंटिफिक रूप से आज आपके सामने जो उठेगा वो ये होगा कि डॉक्टर मोहित, क्या मेरे विचार मेरे मन के, मेरे ब्रेन के बाहर भी निकलते हैं? आप कहते हैं ना, चिंता मत करो, मैंने तो केवल सोचा ही था, मैंने उसको कुछ बताया नहीं है, केवल सोचा ही था। अर्थात मेरा ये मानना है कि जो मैं सोच रहा हूं वो मेरे मन तक ही रहा, मैंने उस व्यक्ति को कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम की ये सुंदर मशीन जो इन्वेंट की गई है, विदाउट टचिंग अवर ब्रेन, विदाउट हमारे ब्रेन को टच करे हुए, ये हमारे ब्रेन के कंप्लीट थॉट पैटर्न और मैप को क्रिएट कर देती है। पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, किस प्रकार की हमारी विचारधारा है, इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसको मैप कर देती है बिना हमारे ब्रेन को टच किए। और ये शो करता है कि हमारे विचार हमारे ब्रेन में ही केवल नहीं रहते हैं, बल्कि वो हमारे ब्रेन से बाहर निकलकर बाहर रेडिएट करते हैं। ये प्रूव करता है, ये क्लियरली शो करता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आएगा कि डॉक्टर साहब, अगर हमारे ब्रेन से बाहर विचार निकलते हैं तो वो कहां कहां पर एक्ट करते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले मेरे विचार मेरे मन मेरे शरीर मेरे जीन्स पर एक्ट करते हैं, मेरे शरीर को ही वो सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बाहर रेडिएट होकर मेरे संबंधों पर भी पावरफुल असर दोस्तों डालते हैं। और तीसरा इफेक्ट वो करते हैं मेरे एनवायरमेंट पर, अर्थात पानी मेरा भोजन मेरी प्रकृति और कंप्लीट एटमॉस्फेयर पर भी असर वो डालते हैं। अब इन सब की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, इन सब का एक्चुअल बेसिस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आज वो बात मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता लगेगा कि राजयोग मेडिटेशन के आधार से संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा किस तरह आप असाध्य को भी साध सकते हैं, किस तरह आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहें उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्तियों के आप स्वामी हैं। तो चलिए इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या मेरे विचार मेरी जीन्स पर भी इफेक्ट करते हैं? जीन्स यानी मेरे डीएनए पर भी इफेक्ट करते हैं, अर्थात मेरी जो बॉडी की संरचना है उस पर भी इफेक्ट करते हैं, या जो माता पिता से मिली हुई मुझे जीन्स है, कहते हैं ना भाई इसकी जीन्स ही खराब है, इसको माता पिता से ये विरासत में मिला है, क्या वही जीन्स मेरे भविष्य को निर्माण करती हैं? क्या ये फैक्ट है कि अगर मेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन अटैक, किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो वो बीमारी मुझे भी जरूर होगी? और यदि इसका उत्तर हाँ है तो ये चिंता का विषय है। और यदि मैं अपने संकल्पों के द्वारा अपनी जीन्स को कंट्रोल कर सकता हूं तो ये मेरी शक्ति का प्रतीक है। समझे ना आप सभी लोग? तो देखिए आज साइंस इसके बारे में क्या कहती है। इस साइंस को दोस्तों एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर डीन ऑर्निश एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर, गदूद के कैंसर के 30 मरीजों को लिया, और उन 30 मरीजों को लेकर जो कि इलाज के लिए तैयार नहीं थे, उनको इन्होंने मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया। रिजल्ट क्या था दोस्तों? मात्र 3 महीने के अंदर जो कैंसर कॉजिंग जीन इन लोगों के अंदर थी वो स्विच ऑफ हो गई, अर्थात उसका एक्सप्रेशन कम हो गया, और जो प्रोटीन बिल्डिंग जीन यानी जो हेल्दी जीन थी बॉडी की वो फास्ट एक्सप्रेस करने लगी। जब उन्होंने 3 महीने बाद फॉलो किया तो उन्होंने देखा कि 500 से भी ज्यादा जीन्स बॉडी की उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, और शरीर की जितनी भी बीमारियां और कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो सारी जीन्स धीरे धीरे सप्रेस हो गई मात्र लाइफस्टाइल और मेडिटेशन के द्वारा। दोस्तों ये क्या शो करता है कि हमारी विचारधारा हमारी योग की सिद्धि और हमारे संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा हम जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसी से प्रेरित होकर हमने अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए। हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स, जो मैं करीब 100 पेशेंट्स एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूं,
उनमें से 25% 18 से 25 30% जो मरीज हैं वो केवल 18 से 30 साल की उम्र के बीच में बच्चे मेरे पास आते हैं। अब मेरे मन में यही संकल्प आता था कि इन बच्चों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना डायबिटीज है, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना कोई और रिस्क फैक्टर है, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था लेकिन यंग बच्चों में हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। दोस्तों हमने इनका जीन्स का एनालिसिस करना आरंभ किया। हमने क्या किया, हमने इनके क्रोमोसोम्स की लेंथ को, यानी जो इनके जीन्स की लेंथ है उनको मेजर किया, जिसको हम टेलोमियर लेंथ कहते हैं। उम्र के साथ साथ जो ये लेंथ है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम होती जाती है, तभी उम्र के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये लेंथ इसको कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन को। तो हमने इन बच्चों को अपनी स्टडी में डाला और स्टडी में डालकर इनके तनाव को मेजर किया, इनका घर का तनाव, इनके परिवार का तनाव, इनके वर्क का तनाव कितना था, और इसके साथ साथ हमने इनकी जीन्स यानी बायोलॉजिक एज को भी मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब हमारे सामने रिजल्ट्स आए तो हमने ये देखा कि इन बच्चों की शारीरिक उम्र, बॉडी की एज, वो थी 18 से 30 वर्ष। लेकिन जब हमने इनकी बायोलॉजिक एज यानी हमने इनकी जेनेटिक एज को मेजर किया तो इन बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 90 व्यक्ति उम्र के व्यक्ति के बराबर। इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, देवर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यानी एक यंग लड़का अंदर की बनावट कैसी कैरी कर रहा था, एक 60 से 90 साल के व्यक्ति के बराबर। ये देखिए इसका साइंस का एक्सपेरिमेंट में दिखा रहे थे, रेड बार को देखिए, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज उनकी उम्र के अंदर। अगला प्रश्न मेरे मन में यह आया कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई देयर जीन्स आर डिस्ट्रॉयड। अब ना ये स्मोकिंग करते हैं, ना डायबिटीज है, ना इनको कोई फैमिली हिस्ट्री है, ना कोई और रिस्क फैक्टर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमने इनको मेजर किया तो इन बच्चों की अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस पाया गया, तनाव मैक्सिमम लेवल पर पाया गया। तो अगला प्रश्न आया कि तनाव है भी तो भी क्या है, सबको तो तनाव होता है, उससे फर्क क्या पड़ेगा। हमने फर्दर स्टडीज की तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, स्ट्रेस है, संबंधों में खुशी नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी एंजाइम टेलोमेरेज कम हो जाती है और उनकी जेनेटिक लेंथ कम होती चली जाती है। लेकिन वो लोग जिनके जीवन में, वो लोग जिनके जीवन में प्यार है, खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, जिनके जीवन में एक्सेप्टेंस है, जिनके जीवन में न्यूट्रिशन अच्छा है, उन लोगों की जेनेटिक लेंथ बरकरार रहती है और उनकी लाइफ में हेल्थ सदा बनी हुई रहती है। ये शो करता है कि आज की इस भौतिकता की रेस के अंदर तनाव ने हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों 18 नवंबर 2018 का वो दिन मुझे अभी भी ध्यान आता है। रात को 9 बजे, मैं सैटरडे का दिन था, मैं ऑपरेट करके ऑलमोस्ट वाइंड ऑफ कर रहा था, रात का समय था। मेरे हॉस्पिटल के रूम के बाहर, कैथ लैब के बाहर सडनली हलचल हुई और एक 24 साल के यंग लड़के को, डेड बॉडी को मेरे सामने मसाज करते हुए लाया गया। बाहर शोर था, पल्सलेस व्यक्ति था, ECG फ्लैट लाइन था, मैसिव हार्ट अटैक हुआ हुआ था, उसको रिससिटेट कर रहे थे, इंटूबेट किया हुआ था, उसे हमने टेबल पर लिया। दोस्तों हमने उसको ऑपरेट करना चालू किया, उसका लेफ्ट सिस्टम कम्प्लीटली ब्लॉक था और आराम से जाते हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। सामने सामने उसका ब्लड प्रेशर 50, 60, 80, 90, 100 आने लगा, थ्रोम्बस बाहर निकाला, उसको स्टेंट करके हमने कम्प्लीटली फाइन किया और ऑपरेशन परफेक्ट रहा, हार्ट बीट भी सामने आई और दोस्तों वो व्यक्ति बच गया। अगले दिन जब मैं राउंड पर गया, उसको हमने एक्सट्यूबेट किया, वो लड़का प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा था लाइफ बच गई और वो बैठा हुआ था। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन को बहुत परेशान कर रहा था, इस 24 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ है, कोई फैक्टर नहीं था। मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है। दोस्तों उसके मम्मी डैडी उछल कर आ गए, मैंने कहा उसमें लिखा है हिस्ट्री में ये मैरिड है, इसको 5 महीने की बच्ची है, मैं इसकी वाइफ से बात करना चाहूँगा, आप उसको बुलाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी आपस में नहीं बनती है, आप हमसे ही बात करिए। मैंने कहा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे तो इनकी वाइफ से और इस बच्चे से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि सर ये ऑलरेडी ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स है, अगले महीने इनका डाइवोर्स होने वाला है, ये पेपर्स फाइल कर चुके हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे कहने से उस लेडी को, उस बच्ची को यहाँ पर बुला लीजिए। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, वो बच्ची वहाँ पर आ गई, मैंने सबको बाहर किया, उन दोनों के साथ में बैठा। दोस्तों छोटी छोटी बात है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों वर्क प्रोफेशनल है, वो चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी IT प्रोफेशनल,
एक दूसरे के लिए समय ना देना, उनकी बात को अंडरस्टैंड ना करना, मैं बनाना, मेरा तरीका सही है, तुम्हारा गलत है, तुम इस कार्य का करो, मैं इस कार्य को कैसे करूँ, तुम ऐसे करते हो, मैं ऐसे, इतनी इतनी सी बातें जो व्यक्ति इजिली इग्नोर कर सकता है, वो रोज कपल होते होते लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी, उनके संबंधों में मन मुटाव आता रहा और अल्टीमेटली डाइवोर्स के कगार पर वो आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डाइवोर्स करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरे लिए केवल 2 महीने के लिए एक एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये ऑलरेडी मरते हुए बचा है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए कार्य करो। उसने कहा सर मैं करूँगी, एज अ ह्यूमन बींग मैं करूँगी। मैंने कहा आप इसको रोज ट्यूजडे को मेरी ओपीडी होती है, आप इसका हाथ पकड़ के मुझे ओपीडी में दिखाने लाओ। कहती है ठीक है सर मैं लाऊंगी। और मैंने कहा 1 महीने के लिए आपस में एक दूसरे की बात को स्वीकार करना आरंभ करो। छोटी सी बच्ची थी, कोमल सी बच्ची, देखकर भी मंत्र मुग्ध, मतलब बड़ा आनंद आ रहा था उसे देखकर, बट कहीं ना कहीं दिल में दर्द भी था कि ये आपस में अलग हो रहे हैं। दोस्तों हर ट्यूसडे को उस लड़की ने अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ के लाना आरंभ किया। दोस्तों 1 महीना 2 महीना और आज 4 साल हो गए हैं, उन्होंने डाइवोर्स पेपर वापस लिए हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल है और वो बच्ची भी दोस्तों 4.5 साल की हो चुकी है। ये चीजों की हमको आवश्यकता है दोस्तों। आध्यात्मिकता ये नहीं है कि हम केवल ज्ञान को यहां पर लेते रहें, आध्यात्मिकता अर्थात उस चीज को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे यूज करें। संकल्प परिवर्तन के द्वारा हम अपनी जीन्स को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं, अपने व्यवहार को भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार का जीवन आज हमको आवश्यक है। तो आज ये क्लियरली शो करता है, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लॉन्गेस्ट स्टडी जो सेकेंड जनरेशन स्टडी इन्होंने की है, जिसको ग्रांट एंड ग्लूएक स्टडी भी दोस्तों कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ गुड लाइफ, दोस्तों कुछ भी मैटर नहीं करेगा आपकी लाइफ में, नथिंग, लेकिन एक फैक्टर जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, वो है गुड रिलेशंस, दे प्रोटेक्ट योर ब्रेन्स एंड योर लाइफ। दैट इज व्हाई आपके जीवन में दोस्तों खुशी डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी हर पल आपको क्रिएट करनी है, हर पल। एक घर में भी अनेकों घर हमने बना दिए दोस्तों। दीवारें वैसे ही कम थी, जब पड़ोसी होते थे पुराने तो पड़ोसी भी अपने ही घर का हिस्सा करते थे, और हमने अपने ही घर वालों को अपना पड़ोसी दोस्तों बना दिया है कर्टसी ये मोबाइल। एक कमरे में माँ बाप बैठे हैं, एक कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, कम्युनिकेटेड है, कनेक्टेड है, किसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। दोस्तों ये परिवार नहीं है, ये नहीं है। आज संकल्प परिवर्तन के द्वारा हम अपनी जीन्स को भी दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव विचारधारा के द्वारा, संकल्पों के द्वारा। तो साइंस आज ये क्लियरली प्रूव करती है कि हमारे श्रेष्ठ संकल्प, जब मेडिटेशन के द्वारा हम अपने संकल्पों को एक नया आयाम देते हैं, हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर बॉडी का भी दोस्तों चेंज हो जाता है, हम अपनी लाइफ को सुंदर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको टाइम्स मैगजीन ने कहा कि योर DNA इजंट योर डेस्टिनी। जो DNA आपको माँ बाप से मिलता है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपका DNA फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, आप अपने भविष्य को अपने संकल्पों के द्वारा दोस्तों क्रिएट कर सकते हो। तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि संकल्पों के द्वारा जीन्स चेंज हो सकती है, यस और नो बताइए। यस वी हैव द एविडेंस, वी आर डूइंग मोर एंड मोर वर्क ऑन दिस। सेकेंड इफेक्ट कि क्या संकल्पों के द्वारा हम अपने शरीर को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कैन वी अफेक्ट अवर बॉडी, क्या संकल्प शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, हम अपने ब्रेन को दोस्तों रीप्रोग्राम कर सकते हैं नहीं। मेरी तरफ देखिए सब लोग, डॉक्टर अल्वेरो पास्कल लियोन जो हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट दोस्तों किए। उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और क्या किया इसको मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ देखकर बात कर समझिए। इन्होंने दोनों ग्रुप को कहा कि हम आपको पियानो प्ले करना सिखाएंगे, समझे आप लोग, आप लोगों को इन्होंने पियानो के सामने बिठा दिया, पियानो को प्ले करना सिखाया, आपको उंगलियां चलवाई खड़े होकर, और आप लोग पियानो प्ले करना 1 हफ्ते के अंदर रीजनेबली सीख गए। आप लोगों को उन्होंने केवल पियानो की इमेज और फोटो दिखाई, आपको बताया कि इस तरीके से पियानो को प्ले करना है, इमेजिन करवाया, रोज एक्सरसाइज आपको दी, आप एक्चुअली ब्रेन में पियानो को प्ले कर रहे थे, और दोनों ग्रुप्स को 2 हफ्ते के अभ्यास के बाद उन्होंने ब्रेन की इमेजिंग को करना आरंभ किया। ब्रेन को क्या देखने के लिए, ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्ले करने के लिए कंट्रोल करता है, वो कितना फर्क दोनों के अंदर होता है। दोस्तों जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर देखा कि जो लोग एक्चुअली प्ले कर रहे थे और जो लोग केवल इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो लोग प्ले कर रहे हैं, दोनों के अंदर सिमिलर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन
होता चला गया। ये क्या शो करता है कि करना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन करने के साथ साथ जब आप सोचते हैं एक बार बार बात को, वो चीज भी आपके ब्रेन को बार बार वायर कर देती है। आप सोच रहे थे, ब्रेन स्वीकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक तथास्तु मशीन है। आप जो कहेंगे ब्रेन कहेगा तथास्तु, आप जो कहेंगे ब्रेन कहेगा तथास्तु, वो उसको स्वीकार करता चला जाएगा। अब अपने घर अपने परिवार में रोज देखिए किस प्रकार के शब्दों को हम यूज करते हैं। मैं तो बीमार ही रहता हूं, मेरी तो तबीयत ठीक रहती ही नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ हो पाएगा, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, मेरे को नहीं लगता पता नहीं पास भी होंगे या नहीं होंगे, ये तो खाता ही नहीं है, मुझे सक्सेस ही नहीं मिलती, असफल होने की मुझे आदत पड़ गई है। वोकैबुलरी दैट वी आर यूजिंग, और ब्रेन बड़ा आराम से अंदर बैठा, ब्रेन कहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो आप कहेंगे वो उसको कहेगा, स्वीकार करेगा, ब्रेन में कनेक्शन बनाएगा। रोज कहेंगे, स्वीकार करेगा, कनेक्शन बनाएंगे। और जब आप बीमार नहीं भी होंगे, एक्चुअली आप बीमारी को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। डॉक्टर एरिक कैंडल को इसलिए नोबेल प्राइज मिला। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। बार बार जब आप एक संकल्प लाते हैं, वो आपके ब्रेन को हार्डवायर कर देता है, उसको एक प्रोग्राम कर देता है, और प्रोग्राम करके आपकी डेस्टिनी को आपके सामने दोस्तों क्रिएट कर देता है। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में बार बार संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तित कहा जाता है। क्या? मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई भी चैलेंज नहीं है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2001 में जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से वापस आया, तो मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई, इंडिया में 5 सीटें दोस्तों होती थी और कभी भी फर्स्ट अटेंड में किसी का नहीं होता था। तो हम भी रोते धोते अपनी मदर के पास पहुंच गए। हमने कहा 5 ही सीटें हैं, एक अटेम्प्ट है, मुश्किल होगा, मैं एक ही दूंगा, मुझे हो गया तो ठीक, नहीं तो MD मेडिसिन करूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा सीटें कितनी है? मैंने कहा 5। कहते तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा 1। तो कहते तुम 4 को तो पहले हटाओ अपने दिमाग से, तुम 1 पर फोकस करो। बात मुझे ठीक लगी, स्ट्रेस खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे तो 1 ही चाहिए, और 5 पे क्यों फोकस करूं? उन्होंने कहा 1 पर फोकस करके रोज उसको टारगेट करो। और दोस्तों मैंने अपने डेस्क पर सामने लिख लिया, ये 1 सीट मेरे लिए है, ये मुझे चाहिए। जिद पकड़ ली कि ये चीज मेरे पास आ रही है, मुझे लेनी है इसको। मैं पढ़ने लगा आराम से। दोस्तों 9 फरवरी को एग्जाम था, 5 महीने में मात्र केवल। 9 फरवरी सैटरडे का दिन मैं 1 बजे एग्जाम देकर निकला, अपने दोस्तों से बात कर रहा कि मुझसे पेपर डिस्कस करो। मेरे सीनियर्स मेरे टीचर्स मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे, किसी ने भी मुझसे बात नहीं की दोस्तों, नोबडी टॉक टू मी। और उनका एक लाइन था कि डॉक्टर मोहित आप जाओ, आपको हम शाम तक या कल तक की दे देंगे ताकि अगले साल आप अच्छा एग्जाम दे पाओ। दीज वर देयर वर्ड्स। दोस्तों मैंने बाल कटवाए, मैं आराम से घर जाकर रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनने लगा, अपना रिलैक्स, कोई मेरे को चिंता नहीं थी, दूसरा देना नहीं था मुझे अटेंड। दोस्तों 15 डेज बाद रिजल्ट आया। 15 डेज बाद जब रिजल्ट आया, मेरी कंट्री में फर्स्ट रैंक थी, और रैंक में मेरा परसेंटाइल था 95%, और 95% के बाद जो सेकंड रैंक थी वो थी 78%, 78, 77, 76, 75। तो जब आप अपने लिए भविष्य को क्रिएट करते हो, क्यों? मैंने प्रोग्राम कर लिया, मुझे तो चाहिए ये, मुझे नहीं मतलब कि कोई क्या कर रहा है, मेरे को कॉम्पिटिशन में क्या है, इट इज लीस्ट अफेक्टिंग मी, लेकिन दिस 1 सीट इज फॉर मी, मुझे चाहिए। तभी कहा जाता है कि ग्लू योर इमेजिनेशन विद इंटेंशन। ध्यान से सुनिएगा, ग्लू योर इंटेंशन एंड इमेजिनेशन एंड पुट अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन, सक्सेस विल ऑलवेज कम टू यू, सक्सेस विल ऑलवेज कम टू यू। किसी को डिस्टर्ब भी मत करने दो अपने ब्रेन को। दोस्तों ये योग के अंदर हमको शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी आउटसाइड, उस चीज को अपने मन में क्रिएट करना आवश्यक है। रोज प्रोग्राम करना आरंभ कर दो। राजयोग मेडिटेशन में हम करते क्या है, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुशी से परिपूर्ण हूं, मेरा एक एक पल खुशनुमा है, मेरे संबंध श्रेष्ठ हैं, संकल्पों का खेल, सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होने लगेंगी, क्योंकि परमात्मा वो आपको शक्ति देता है। साइंस इसके पीछे ही है, इसके पीछे साइंस ही है। यही नहीं दोस्तों, जब मैं 2001 में आया था, उस समय मेरा वेट 96 kgs होता था। ये मेरी पिक्चर है उस समय की, 2001 ऑरलैंडो डिज्नीलैंड के बाहर, जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था। आप देख रहे हैं, मुझे डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी, बॉर्डरलाइन थायराइड था, और फैटी लिवर भी थी। ये सामने पिक्चर है मेरे।
और 16 जुलाई के आसपास का वो दिन है 2001 जब मुझे किसी ने बोल दिया घर में कि डॉक्टर मोहित कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, ऐसे मजाक में किसी ने बोला। तो मुझे थोड़ा सी बात ये लगी और दोस्तों मैंने अपने ऊपर कार्य करना आरंभ किया। उस समय कार्डियोलॉजी की पढ़ाई भी पढ़ रहा था और वेट पर भी काम कर रहा था, कभी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, कभी जिम नहीं ज्वाइन किया कोई भी, लेकिन रोज एक्सरसाइज और डाइट को मैंने चेंज कर दिया। दोस्तों उस 6 महीने में पढ़ते हुए मैंने एग्जाम के लिए भी पढ़ाई की और मैंने 23 किलो अपना वजन कंप्लीटली लूज कर दिया। मेरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड सब डिसअपीयर कर गया। 9 फरवरी तक कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी प्राप्त की। और आज प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 21 साल आज के भी दिन, आज के वालसाट के इस दिन तक भी मैं इस चीज को मेंटेन करता हूं। आज भी मेडिटेशन के बाद 5:15 बजे मैं अपने आश्रम से बाहर था और आपके सागर किनारे में अपने 15,000 स्टेप्स और एक्सरसाइज करके, यहाँ पर मॉर्निंग में मेडिटेशन करके, मुरली सुन के, तब मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों लाइफस्टाइल इज अ थॉट प्रोसेस, ये आपकी विचारधारा है। ये नहीं है कि अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन भजन कीर्तन करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा को याद करूँ। दोस्तों ये नहीं, ये है कि उस जीवन को अपने अंदर समाकर उसको जीना, ये जीवन जीने की कला है। तो हमारे विचारों का सब कुछ करते हुए भी आप देखो ना, कल मैं आपके सामने वालसाद में शाम को 7:30 बजे आया हूँ। दिनचर्या कैसे थी? 3:30 बजे उठना, 4:45 बजे तक मेडिटेशन, 4:45 बजे के बाद 5:30 से 6:30 मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट किया, 7 बजे मैं घर से बाहर था, 7:45 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक मैंने 16 केस ऑपरेट किए हैं। हॉस्पिटल से ही मैं सीधे एयर फ्लाइट पकड़ी, शाम को 4 बजे पकड़ के 6:30 बजे मैं लैंड किया, 4:30 बजे वहाँ लैंड किया और मैं यहाँ पर सीधे वालसाड में आया। तो आध्यात्मिकता आपको बैलेंस सिखाती है, कर्म योगी बनाती है। वो ये नहीं कहती घर में बैठे रहो बस योग लगाते रहो, कहती है कर्म करते हुए भी वो स्थिति आपकी श्रेष्ठ और शक्तिशाली रहे। दैट इज वाई आज बहुत आवश्यक है कि आपकी प्रोग्रामिंग चल रही है तो स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव अफर्मेशन। संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाओ, मैं श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, सब कुछ मेरे जीवन में बहुत पावरफुल और वंडरफुल है। तीसरी बात जो बहुत आवश्यक है कि क्या मेरे संकल्प मेरी बीमारी में भी मेरे ऊपर असर डालते हैं? इज इट पॉसिबल कि वो बीमारी में भी मेरे ऊपर असर डाल सकते हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो डॉक्टर जेबी मॉजले, एनईजीएम जर्नल का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल मानी जाती है। दोस्तों उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और मेरी तरफ देखिए क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने 2 ग्रुप्स में लोगों को दोस्तों डिवाइड किया, इधर देख कर समझिए आपको बड़ा आनंद आएगा। इमेजिन करिए आप सब लोगों को घुटने का दर्द था और डॉक्टर मॉजले ने कहा मैं आप लोगों की सर्जरी करूंगा। उन्होंने क्या किया, ग्रुप 1 को अंदर बुलाया, आप लोगों को बेहोश किया, बेहोश करके आपके नी को खोला, उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करके लाइव टेलीकास्ट बाहर चल रहा था, 5 दिन बाद रिकवर करके आपको छुट्टी कर दी और 6 महीने तक फॉलो किया। ग्रुप 2 को क्या किया, इनको भी अंदर बुलाया, इनके घुटने को भी बेहोश करने के बाद खोला, खोलने के बाद आपके घुटने को टच नहीं किया, केवल दिखाते रहे ऊपर ऊपर उसको वो कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आपके घुटने में नहीं किया, उसको एज सच क्लोज कर दिया और बाहर झूठी सर्जरी ब्रॉडकास्ट की, लेकिन आप लोगों को क्या बताया कि आपकी सर्जरी हो गई है, आपकी हो गई है और आपको भी 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया। तो 2 ग्रुप हुए कि एक की सर्जरी हुई थी, एक की नहीं हुई थी, लेकिन दोनों को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है। क्लियर हुआ सबको, है ना? दोस्तों 6 महीने बाद उन्होंने पेन का इंप्रूवमेंट मेजर करना आरंभ किया। क्या रिजल्ट रहे होंगे? उन्होंने देखा कि पेन का इंप्रूवमेंट दोनों ग्रुप्स में सिमिलर पाया गया। ये कैसे संभव है? आप लोगों का तो समझ में आता है कि सर्जरी हुई थी, लेकिन इन लोगों के अंदर पेन इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? इसको कहते हैं प्लसीबो इफेक्ट, यानी माइंड पावर, कि जब मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं ठीक हूं, मेरी सर्जरी हो गई है, तो बॉडी के अंदर इतने पावरफुल केमिकल संकल्पों के द्वारा रिलीज हुए कि पेन का परसेप्शन धीरे धीरे कम होता चला गया। ये शक्ति हमारे अंदर है दोस्तों। तभी कहते हैं ना, इस डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। वो कैसे होती है? क्योंकि उससे बात करके मेरा बायोलॉजिकल सिस्टम, मेरा न्यूरो हार्मोनल सिस्टम वो रिलैक्स हो जाता है और बीमारी का परसेप्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अर्थात हमारे संकल्पों का हमारी बीमारी पर भी असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, बताइए? पड़ सकता है। हम चाहें तो अपने आप को हम लोग हील कर सकते हैं, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग कहते हैं, रिवर्स एजिंग कहते हैं। एलन लैंगर के सुंदर एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कभी मैं आपको दिखाऊंगा।
फिर आप लोग कहेंगे चौथी बात कि डॉक्टर साहब ये तो हम मानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट सीरियस इलनेसेस, कभी कभी गंभीर बीमारियां होती हैं, तब क्या होगा? तो दोस्तों देखते हैं इस पर भी दो एक्सपेरिमेंट्स जो किए, एक मैं अपनी लाइफ का दिखाऊंगा और एक एक्चुअल दिखाऊंगा आपको। ये जनाब जिनका नाम है स्टोमैटिस मोराटिस, ये अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे दोस्तों। ये जब रिटायर हुए 1976 में, एक्चुअल स्टडीज पब्लिश है, इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया, बायोप्सी प्रूवन, और इनको कहा गया कि आपके पास 3 महीने की लाइफ है। तो इन्होंने कहा यार अब मरना ही है, तो मैं अमेरिका में दफनाया जाऊंगा तो $300 लगेंगे, तो ग्रीस में जहां मैं रहता हूं इकारिया वहां जाता हूं, वहां केवल $30 में मेरा काम हो जाएगा और वहां अपने परिवार वालों से भी मिल लूंगा, वहां चले गए दोस्तों, वहां रहने लगे। एक महीना बीता, विनियार्ड्स प्लांट किए, वेजिटेरियन डाइट खाते थे, खुश रहते थे, इंजॉय करते थे, रिलैक्स रहते थे अपनी लाइफ में, बड़ा आनंदित रहते थे दोस्तों। एक महीना, दो महीना, 12 हफ्ते, 16 हफ्ते, 48 हफ्ते दोस्तों, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, परेशान हो गए कि यार मुझे तो मरना था, मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लंग कैंसर था, वो भी बायोप्सी प्रूवन था, मैं अभी भी जी रहा हूँ। तब दोस्तों 10 साल निकल गए, इनकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई, ये बिल्कुल परेशान हो गए, ये फ्लाइट पकड़ के तुरंत अमेरिका गए, उन डॉक्टर्स को ढूंढने लगे जिन्होंने इनको बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर डायग्नोज किया था। दोस्तों जिन डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोज किया था उस समय तक वो सब मर चुके थे, दे ऑल वर डेड एट दैट टाइम। दोस्तों ये व्यक्ति उसी परेशानी में होकर वापस आया और 102 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, और इस व्यक्ति को कहा जाता है द पर्सन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई, वो भूल ही गया कि मुझे मरना भी है। और दोस्तों जहां पर ये व्यक्ति रहता था उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, इसको कहा जाता है द टाउन ऑफ इकारिया इन ग्रीस। इस जगह की ब्यूटी क्या है? इस जगह की ब्यूटी है कि यहाँ पर लोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल यूज करते हैं, वेजिटेरियन डाइट यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहते हैं, नेचुरल स्लीप है और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है दोस्तों। तो ये शो करता है कि हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा हम गंभीर बीमारियों को कंप्लीट क्योर ना भी कर पाए, लेकिन उस जर्नी को कम से कम हम लोग आरामदेह बना सकते हैं, वी कैन मेक इट, कई बार मिरेकल्स भी हो सकते हैं और कई बार हम उस यात्रा को भी सुखद और कंफर्टेबल दोस्तों बना सकते हैं। दिस इज द पावर दैट वी हैड, दीज एरियाज आर कॉल्ड ब्लू जोन्स। ऐसी स्थिति दोस्तों मेरी भी लाइफ में आई 2003 20 मार्च वाले दिन, शाम का समय था, ऑपरेट कर मैं अपने घर पर आया ही था, 5:30 बजे, अजीब सी थकान थी और बहुत अजीब महसूस हो रहा था। 8:30 बजे मम्मी ने भोजन दिया, नहीं खाया मैंने, उन्होंने मुझे आइसक्रीम दी, मैंने हाथ में ली और विदिन 30 सेकेंड्स मेरे हाथ से वो आइसक्रीम गिर गई और मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया, मुझे सीजर्स होने लगे बहुत तेज, मुझे उन्होंने सब ने एकदम उठाया, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी डैडी, मुझे हॉस्पिटल रश करा, वहाँ मुझे भर्ती किया गया, ओवरनाइट मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया गया और अल्टीमेटली मैंने देखा कि नेक्स्ट डे मेरे ब्रेन के स्कैन हुए तो मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास था, इन्फेक्टिव मास था दोस्तों। इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया, माइकोबैक्टीरियम कैंसर है। 19 ड्रग जो उस समय अवेलेबल थे उनमें से 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था, 14 टैबलेट्स मैं रोज खाता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर्स ये सब इसको कंबाइंड करके मेरे रिजीम बना रहे थे, और सवेरे 12 टैबलेट्स, शाम को 6 टैबलेट्स और अमाइकासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन रोज मुझे हिप्स पर और 1 मिलीमीटर पर हाथ पर लोस्तों लगता था, रोज नई प्रिक एंड रोज इंजेक्शन जाता था, हियरिंग भी उस समय मेरी डैमेज हुई, मुझे डिवाइसेज यूज करने पड़ते हैं, दर्द हुआ लेकिन मैंने कभी भी दुख की महसूसता दोस्तों नहीं की। यात्रा चलती रही, अल्टीमेटली 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की दोस्तों सर्जरी हुई और ब्रेन से मांस को निकाला गया। मैंने सोचा कि अब मैं ठीक हूं, मात्र 6 महीने बाद दोस्तों जब मेरे ब्रेन के रिपीट स्कैन्स हुए तो फॉलो अप में आप देखेंगे एक्चुअल स्कैन्स में मेरे सेरिबेलम के अंदर एक और मांस आ गया, उस मांस को निकाल के, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती थी, दिस वॉज द चैलेंज। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट डॉक्टर, सब कुछ मेरे सामने चल रहा था। उस समय हमारी दादी गुलजार होती थी ब्रह्मा कुमारीज में, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, उनके पास मैं गया, मुस्कुराते उन्होंने बड़े प्यार से, बचपन से उन्होंने पाला था बहुत, उनके पास रहता था, उन्होंने कहा मोहित तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो लेकिन योग का भी प्रयोग करो, फोकस्ड योग का प्रयोग करो। इमेजिन एक साइंटिस्ट और एक योगी का कन्वर्सेशन, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक योगी का कन्वर्सेशन। तो मैंने कहा ठीक है दादी, उन्होंने कहा रोज सवेरे उठकर अपने आप को सम्मान दो कि मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, मैं अपने ब्रेन को स्वीकारता ही नहीं कि मेरा ब्रेन बीमार है।
ये दवाइयाँ मेरे ऊपर पावरफुल असर कर रही हैं और मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। 2006 जनवरी से लेकर अगले साल अप्रैल 2007 तक मैं रोज़ अपने आप को सामान देता गया। मैंने कुछ स्कैन नहीं कराया, आई वॉज फाइन। मैं लेता रहा, दवाइयाँ खाता रहा, दवाइयों के साथ मैं ये करता रहा। दोस्तों, एक साल के फॉलोअप के बाद जब अल्टीमेटली मेरा ब्रेन हुआ तो मेरे ब्रेन से कम्प्लीटली क्लियर हो गया। अप्रैल 2007 माई ब्रेन वॉज कम्प्लीटली क्लियर। वाई? योर बिलीफ सिस्टम। इमेजिन, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट आपको बता रहा है, आपकी मान्यता, आपकी सोच, आपका बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ को दोस्तों कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुके। इट कैन गिव अ न्यू डायमेंशन टू योर लाइफ। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। राजयोग, मेडिटेशन केवल ये नहीं है कि मैं बैठ गया अपने संबंधों को, वो तो दोस्तों बनेंगे, लेकिन उस शक्ति को यूज करना अपने ऊपर, ये साइंस है उसके पीछे, ये लॉजिक है उसके पीछे कि कैसे संकल्पों को जब मैं एक फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की तरह कंट्रोल करते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा के मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं कंट्रोलर हूं, लेकिन मेरा कंट्रोल जब एक सेंट्रल कमांड जाता है, बॉडी के 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं और एक सेंट्रल कमांड के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, और दोस्तों 70 ट्रिलियन वोल्ट ऑफ एनर्जी एक टाइम में प्रोड्यूस होती है जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म मेरी लाइफ में दोस्तों कर सकती है। इतनी शक्ति हमारे पास। If we want, we can heal anything and everything in our body. That is why what we think, we become. अर्थात मेरे सोच का, मेरे संकल्पों का, मेरी सीरियस बीमारियों में भी असर पड़ सकता है. We have the power. This is the power that we have. दोस्तों, पांचवी चीज कि क्या मेरे सोच का मेरे रिलेशंस पर फर्क पड़ता है. दोस्तों, आज हमारे संबंधों में दोस्तों क्या परेशानी है. छोटी छोटी बातें, किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा, किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा. मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट बात पूछता हूं दोस्तों, सच बात, इसका उत्तर दीजिएगा, सभी लोग दीजिएगा, चाहे आप ब्रह्मा कुमारीज में हैं, नहीं है, किसी भी प्रकार की लाइफ में, लेकिन इस बात का उत्तर दीजिएगा. यदि आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले बुरा किया, 15 साल पहले बुरा किया हो, 5 साल पहले बुरा किया हो, और वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने आ जाता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, आपके मन में उसके लिए कैसी वाइब्रेशन निकलेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सच्चा उत्तर दीजिएगा, सच्चा उत्तर दीजिए. आपसे नहीं, कौन कौन कहता है कि मेरे मन में नेगेटिव वाइब्रेशन जरूर निकलती है? हाथ खड़ा करिए. पता है, आइडियल उत्तर नहीं दीजिए, जो एक्चुअल उत्तर है वो दीजिए. 90% लोग ये मानेंगे दोस्तों, है ना. और कौन कौन कहता है पॉजिटिव निकलेंगे? कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव भी निकलेंगे, है ना. अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति ने आपके लिए बुरा किया हो 10 साल पहले, तो उस समय बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कौन कौन कहता है नहीं लेना चाहिए, वो हाथ खड़ा करें. पूरा हाथ, बीच का नहीं बनना, एक उत्तर को चूज करना है. हाथ खड़ा करिए ऊपर, नहीं लेना चाहिए. कौन कौन कहता है लेना चाहिए, वो हाथ खड़ा करिए. पूरा हाथ खड़ा करिए ना, उसमें शर्माने की, मैं भी आप ही के साथ हूं, लेना चाहिए. मेरे हिसाब से मैं कहता हूं जरूर लेना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि अगर 10 साल पहले बुरा किया है तो 10 साल के इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए. उसके साथ पूरा हिसाब किताब बराबर होना चाहिए ना, एक्चुअल हिसाब होना चाहिए पूरा का पूरा. करना चाहिए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए मेरे ख्याल से तो. लेकिन एक एक्सरसाइज और भी करनी चाहिए हमको. करेंगे सभी लोग एक एक्सरसाइज मेरे कहने से? बालसाट के सारे डॉक्टर्स करेंगे 5 दिन के लिए एक एक्सरसाइज मेरे कहने से करेंगे? हाथ उठाइए, करेंगे तो? सभी लोग करेंगे. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, डिफिकल्ट नहीं है. अगले 5 दिनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर का सारा कूड़ा, घर का ड्राइंग रूम का कूड़ा, वॉशरूम का कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा, किचन का कूड़ा, सारे कूड़े को हम लोग इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके 5 दिन के लिए हम लोग अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखेंगे. तैयार है सभी लोग? यस और नो? ये गलत है, आपने चीटिंग कर रहे हैं आप. अभी आपने हाथ खड़ा किया था, हमने कैमरे पे ले रखा है फोटो, है ना. ये नहीं चलेगा. आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, 3 दिन के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? 3 डेज ओनली, प्लीज मान लीजिए मेरी बात को. 3 दिन के लिए कूड़ा इकट्ठा करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्या होगा इकट्ठा करने से? क्या होगा इकट्ठा करने से? क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव वाइब्स आएगी. और क्या आएगा? बदबू आएगी. आएगी नहीं, इन्फेक्शन होगा. तो कूड़े को रोज साफ करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए? रोज करना चाहिए, कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? जोर से बोलिए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? आवाज नहीं आती. घर की सफाई रोज या कभी कभी? कौन कौन कहता है घर की सफाई रोज? हाथ खड़ा करिए. वेरी गुड, नीचे करिए. कौन कौन कहता है घर की सफाई रोज? हाथ खड़ा करिए. वेरी गुड. कौन कौन कहता है मन की सफाई रोज? करते तो नहीं है हम लोग, करते हैं, हाथ तो हमने खड़ा कर दिया है. घर की सफाई रोज और मन की सफाई हम 20-20 साल नहीं करना चाहते हैं. तो दोस्तों, कैसे हमारा मन साफ होगा?
आज एक मन में एक व्यक्ति की बात हमने एक दिन अपने मन में रखी, दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति की बात मन में रखी, तीसरे दिन तीसरे व्यक्ति की, 365 दिन 365 बातें, एक दिन में 10 लोग 3650 बातें, 10 साल 36,000 बातें। मन रहा या मन कूड़ेदान बन गया? सोचो, आज कूड़ेदान लेकर हम लोग चल रहे हैं। आइडियलिस्टिक बातें सब करेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारीज में होने के बाद आपको बताता हूं, दोस्तों ऐसा समय मेरे जीवन में रहा कि जब मुझे क्रोध रहा, ईर्ष्या रहा, घृणा रहा, क्रिटिसिज्म रहा, कंपटीशन रहा, कंपैरिजन रहा, लोगों के लिए नेगेटिव थॉट्स मैंने लाए दोस्तों। लेकिन मैं आज आपके सामने बोलता हूं, इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये मुझे ही नुकसान देती रही। केवल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए एक एक्सरसाइज जो हम सबको करनी है, और वो एक्सरसाइज है रोज अपने मन की सफाई। करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? रोज अपने मन की सफाई, एक दिन के लिए जब हमने अपने मन की सफाई को रोज किया दोस्तों, हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप देखो, वी आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटीज, वी आर एनर्जी वेव्स। हम लोग अपने मन को किस चीजों से डेकोरेट करेंगे? प्यार से। क्रोध को हटाओ, हम अपने जीवन में करुणा को डेकोरेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारी लाइफ का दोस्तों एसेंस है। जो चीज को आप पानी दोगे, वो चीज आपके जीवन में ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। हमारे विचारों का हमारे संबंधों पर असर पड़ता है, हमारे विचारों का हमारे संबंधों पर असर पड़ता है। दैट इज व्हाई आज बहुत आवश्यक है अपना प्यार, अपना समय सर्व को देना, सर्व को देना। और अगली बात, छठी बात, क्या मेरे विचार मेरे भोजन पर भी असर डालते हैं? भोजन, पानी, हम लोग रोज कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज में, मेडिटेट करो, पानी को शक्ति देकर लो, भोजन को शक्ति देकर करो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मासारू इमोटो के बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स है, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स, जापानीज साइंटिस्ट, जब उन्होंने पानी की बूंदों को एक ही स्तोत्र से लिया, तो उन्होंने देखा कि ये पानी की बूंदें को जब हम एनर्जी देते हैं पॉजिटिव यानी प्यार की, और एक डिसगस्टिंग यानी नेगेटिव, वो पानी का क्रिस्टल पैटर्न जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। प्यार की भावनाएं, शांति की भावनाएं और इटर्नल सच्चाई की भावनाएं ये पानी को एक सुंदर डायमंड का रूप देती हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव भावनाएं देते हैं, तो वही पानी एक गंदे क्रिस्टल का, एक एबनॉर्मल एनर्जी का रूप ले लेता है। यही नहीं, जब हम भोजन की बात करते हैं, वही भोजन, वही चावल के दाने, उसी जगह पर सेम मर्तबान में उतने ही समय में जब हम शक्ति अलग अलग देते हैं, तो वो चावल के दानों का जो स्वरूप है वो बदलता चला जाता है। जब हम घृणा की भावना देते हैं, तो उस चावल के दाने में फंगस लगती है, और जब हम प्यार की भावनाएं देते हैं, तो वो चावल का दाना स्वस्थ हो जाता है। अर्थात हमारे भोजन पर भी हमारे विचारों का असर पड़ता है। प्रसाद, माँ के हाथ का भोजन, उसकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं, और एक भोजन होटल का होता है, उसकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को भी शक्तिशाली बनाते हुए अपने भोजन को भी पावरफुल बनाना है। प्रकृति, प्लांट्स को देखिए, एक्सपेरिमेंट्स, ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, सेम फूलों का पौधा, सेम धूप, सेम जगह पर तीन डिफरेंट एनर्जीज जब उसको दी गई, एक जगह प्यार की एनर्जी, एक जगह इग्नोर किया गया, और एक जगह घृणा की एनर्जी दी गई, आप देखिए वही प्लांट जो है तीन डिफरेंट प्रकार से बिहेव करता रहा। अर्थात हमारे संकल्पों की शक्ति हमारे नेचर, हमारी प्रकृति पर भी पावरफुल असर डाल सकती है। इतनी शक्ति हमारे पास है। सब खेल हमारे संकल्पों का। मेडिटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संकल्पों के द्वारा प्रकृति को भी हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, उसके स्वरूप को भी हम लोग शक्तिशाली बना लेते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर पर भी, एनवायरमेंट पर भी। कहते हैं ना माहौल बहुत खराब है दोस्तों, माहौल किसके द्वारा बनता है? हमारे संकल्पों के द्वारा। अगर आज इस हॉल में पॉजिटिव माहौल है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारे संकल्पों की एनर्जी है। और अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? खराब एनर्जी हो जाएगी। तो सारा खेल हमारे संकल्पों का है, सारी एनर्जी हमारे संकल्पों की है। वॉशिंगटन में 1993 में जब क्राइम, रेप्स और असॉल्ट्स बढ़ रहे थे, तो 40 लाख लोगों की सिटी में 4,000 लोगों को उन्होंने केवल आधा घंटा मेडिटेशन कराया, आधा घंटा।
कितने टाइम के लिए? केवल 6 हफ्ते के लिए. और क्या एनर्जी दी? कि ये वॉशिंगटन में क्राइम रेट कम हो रहा है और एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, वॉशिंगटन बिल्कुल क्राइम से मुक्त है. 6 हफ्ते के बाद मात्र उन्होंने स्टडी किया, 23.3% क्राइम रेप्स और असॉल्ट्स वॉशिंगटन में कम होता गया. और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक साल के लिए परमानेंट 4,000 लोग केवल मेडिटेट करेंगे, 40 लाख नहीं, केवल 4,000 लोग मेडिटेट करेंगे, तो 50% क्राइम रेट वॉशिंगटन में कम हो जाएगा. शक्ति किसके पास है, बाहर या हमारे संकल्पों के पास? बताइए, हमारे संकल्पों के पास है. दैट इज वाई वी ऑल हैव द पावर टू अनलॉक दिस गॉड जीन इन अस. दोस्तों, सारा मात्र जीवन का खेल 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं. उन 1440 मिनट में से केवल हमको 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए निकालने हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना है. मैं श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, और अपने भविष्य का निर्माण करना है. वी हैव टू क्रिएट एंड डिजाइन अवर फ्यूचर. मात्र 20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद हम कंप्लीटली अपने ब्रेन, अपनी लाइफ को दोस्तों प्रोग्राम कर सकते हैं. और इस प्रोग्राम के लिए जो सबसे पावरफुल टूल माना गया है वो है योग की शक्ति, अर्थात राजयोग मेडिटेशन. दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं ना, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन है केवल अपने संकल्प, अपने अंदर आत्मा, अपने ड्राइवर को चार्ज करना. वो जो शक्ति अंदर बैठी है जो संकल्पों को जनरेट कर रही है, चाहे आप उसको आत्मा कहें, चाहे कॉन्शियसनेस कहें, चाहे लाइट कहें, चाहे एनर्जी कहें, चाहे साइकी कहें, चाहे बीम कहें, चाहे गॉड स्पॉट कहें, कोई भी नाम किसी भी शास्त्र के अनुसार आप उसको दें, जब आप उस शक्ति को चार्ज करते हैं, वो श्रेष्ठ शक्ति आप उसको लेते हैं, तो वो चार्ज होकर आपकी परफॉर्मेंस को बेटर देती है. हम मेडिटेशन में क्या करते हैं दोस्तों? मेडिटेशन अर्थात संकल्पों को गैप देना. इसको पढ़ना पढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इस पर लिखा है वही इसमें लिखा है. और इसको पढ़ना क्यों आसान है? क्योंकि शब्दों के बीच में गैप. दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में गैप देते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है और एफर्ट कम होता है. इसी प्रकार योग के द्वारा हम अपने संकल्पों में गैप देते हैं और संकल्पों की क्लैरिटी को हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं. जैसे आप अपने मोबाइल, अपने सिस्टम को बूट करते हैं, उसके ओरिजिनल फोल्डर्स होते हैं, इसी प्रकार योग की शक्ति के द्वारा हमारी जो इनर एनर्जी है वो है शांति, आनंद, प्यार, खुशी, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता. ये 7 गुण हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स हैं हमारी आत्मा के. दीज आर दी इननेट फोल्डर्स ऑफ अवर इनर सेल्फ, जो हमको चार्ज करते हैं और हमारी लाइफ कंप्लीटली दोस्तों ट्रांसफॉर्म हो जाती है. मैग्नेटो एनकेफलोग्राम की जो इमेजेस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, देखिए इस चीज को. मात्र केवल एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन वेव पैटर्न है वो कंप्लीटली इम्बैलेंस ब्रेन वेव है. देखिए, राइट और लेफ्ट ब्रेन इम्बैलेंस्ड है, लेकिन मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद जब हम देखते हैं तो इस व्यक्ति के ब्रेन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है और राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बैलेंस होने लगते हैं. ये एक्चुअल इमेजेस हैं. पुराना इमेजेस में एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, और 15 मिनट के बाद जब हम इसको 25 मिनट करते हैं, हमारे ब्रेन वेव्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, हमें ज़्यादा इंटीग्रेटेड, बेटर परफॉर्मिंग और गुड इमोशनल और मेंटल हेल्थ सिस्टम दोस्तों मिलता है. दिस इज द पावर ऑफ अवर ब्रेन. मात्र 25 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हमारे दोनों ब्रेन्स को समन्वय ले आती है, अर्थात लेफ्ट ब्रेन जो कि एनालिटिकल है, जो कि एक्यूरेट और रीजनिंग और लॉजिकल है, वो हमको 50% सक्सेस देगा. लेकिन जब हम राइट ब्रेन मेडिटेशन के द्वारा एक्टिवेट करते हैं, वो हमको एक होलिस्टिक पर्सनालिटी देता है, हमारे जीवन के अंदर समन्वयता लाता है. दिस इज द पावर दैट वी ऑल हैव इन आवर लाइफ दोस्तों. तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी लाइफ को बनाना? हाँ, सोचिए. हमारी लाइफ चलती रहती है, हमारी ज़िंदगी में हम लोग करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन आज बहुत आवश्यक है कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस समन्वयता को लाना. मोबाइल बजेगा, सब कुछ बजेगा, लेकिन कुछ पल अपने जीवन में भी शांति को अनुभूति करना, ताकि मेरा मन भी शक्तिशाली और पावरफुल बने. ये है जीवन परिवर्तन का आधार.
यह परिवर्तन का आधार। दोस्तों, एक बारी एक महात्मा के पास ऐसे ही बहुत सारे लोग गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमको समय नहीं मिलता है, हम परमात्मा को कब याद करें। तो उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि अपने मरने से एक दिन पहले याद करना, उसी से काम हो जाएगा। तो उसमें से एक व्यक्ति मुड़ा, विद्वान जो था, उसने कहा, महात्मा जी, ये तो हम कब नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे। तो उसने बोला कि फिर तुम आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, अगर चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन कब लाना है? आज नहीं, अभी लाना है। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मेडिटेशन। तो आज हम सब परमात्मा की याद में कुछ पल बैठेंगे, सब अलर्ट होकर शांति से, बहुत लाइट म्यूजिक हम प्ले करेंगे, अपनी आंखों को खुला रखेंगे और मुस्कुराते हुए कुछ पल, एक सेकंड इस यात्रा पर जाएंगे। ओके, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। और मैं इस यात्रा को आपको दो पार्ट्स में कराऊंगा, केवल एक मिनट लगेगा। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा और आप उस चीज को क्रिएट करेंगे। दूसरे पार्ट में हम फिर एक्चुअल यात्रा पर चलेंगे। बहुत हल्का सा म्यूजिक बजाएंगे और सब रिलैक्स होकर बैठेंगे और ध्यान से अनुभव करें। देखो अपने आप को, एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। कोई भी थकान, कोई भी संकल्प नहीं। अनुभव करो, हम इस हॉल से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर की ओर हम चले गए। विजुलाइज करो, आपका घर आपके सामने है, दरवाजा सामने है। उस दरवाजे को खोलो, अंदर जाकर अपने बेडरूम में जाओ। देखो अपने बेडरूम को। बाहर निकल के अब अपने डाइनिंग हॉल में और किचन में जाओ। एक ग्लास पानी लो। जीवन में क्रोध, जीवन में इरिटेशन, जीवन में कभी कभी परेशानियों का आना, आज अपने मन की हम सफाई करते हैं। मैं शक्तिशाली, शांत, पवित्र आत्मा हूं। परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक पवित्रता मेरे एक एक संकल्प को बहुत शक्तिशाली और शांत बनाती है। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है। अनुभव करो, मेरे संबंध सदा श्रेष्ठ और सुख से परिपूर्ण है। एक अनोखा चैन, शांति और प्यार, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा अस्तित्व है। इसी स्थिति में रहते हुए मैं हर कर्म करूंगी। ओम शांति। परिवर्तन आज करना है। तो सब तैयार हैं परिवर्तन के लिए? क्लियर हुआ साइंस इसके पीछे कितनी शक्तिशाली है? तो शक्ति हमारे पास है, परिवर्तन हमारे हाथ में है। ओम शांति। शुक्रिया। आज से नई यात्रा हम सब आरंभ करेंगे। हमारे सामने हमारी आदरणीय शिवानी दीदी भी आ गए हैं, सब उनका स्वागत करेंगे यहाँ से। ओके, ओम शांति।
हेलो, ओम शांति। मोहित जी, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक यूटर्न आज आ गया है। हम हमारे मन के कचरे को तो हर रोज साफ ही कर देंगे। जब मैं मोहित जी को सुन रहा था तो मुझे उनका ये लेक्चर सुन के ऐसा लगा कि क्या अनुभूति हुई उनका लेक्चर सुन के, कि बिल्कुल अच्छी तरह से सुनाए ऐसे शब्दों के उच्चार, सुनने के बाद 100% समझ में आ जाए ऐसे सरल शब्द भाषा का प्रयोग, समझने के बाद तुरंत दिल में स्पंदन पैदा करे ऐसे शब्द के मर्म, और शरीर में, दिल में, दिमाग में घुल जाए और अपने अंतर आत्मा को झिंझोड़ के रख दे ऐसे शब्द के विचार और विषय, जो आदमी को अपने आप में हकारात्मक बदलाव लाने के लिए विवश कर दे। यह था मोहित जी का प्रवचन का निचोड़। और मैं हमारे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर उदय देसाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मोहित जी को मेमेंटो से उनका अभिवादन करें। डॉक्टर उदय देसाई सर, जोरदार तालियां। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री डॉक्टर भावेश भाई गोयाणी सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMARS वलसाड, डॉक्टर देवांग देसाई, डॉक्टर उदय देसाई सर, डॉक्टर MM कुरेशी, डॉक्टर शैलजा बेन मस्कर, डॉक्टर मीनाक्षी बेन सेठ और डॉक्टर सुनील चौकसी को मंच पर आए और हम दीप प्रगति करेंगे। और उनके साथ साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे।
डॉक्टर देवांग देसाई सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे आए और डॉक्टर मोहित सर को मेमेंटो देके उनका अभिवादन करें। डॉक्टर देवांग देसाई सर, शायद नहीं है, मैं हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शिरीष दवे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और डॉक्टर मोहित जी का मेमेंटो से अभिवादन करें। मेरे ख्याल से तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर द्रुति बेन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मंच पर आए और हमारी पूज्य शिवानी दीदी को फूलों से उनका स्वागत करें। दोस्तों, मुझे शिवानी दीदी का इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ से सूर्य उगता है उस देश से जहाँ सूर्य का अस्त होता है, उन सभी सैकड़ों देशों में सोशल मीडिया और यूट्यूब्स के माध्यम से जिन्हें करोड़ों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं, सुनते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसी हमारी शिवानी दीदी का सामान्य परिचय देके मैं अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी है जो मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। श्री बी के शिवानी दीदी जी, शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, शीर्ष प्रैक्टिशनर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज सिंस लास्ट 25 ईयर्स, हर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑन द टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज फॉर ओवर 14 ईयर्स हैज एम्पावर्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू ओवरकम issues of emotional distress, depression, and relationship conflicts. In March 2019, she was awarded the prestigious Nari Shakti Puraskar, the highest ever civilian honor for women in India for her role in transforming human behaviors. Jordar taliyon se inke liye abhivadan karna chahiye. And she has been appointed as Goodwill Ambassador by the World Psychiatric Association. तो इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं दीदी जी आपको विनती करता हूँ कि आपका प्रवचन आप आरंभ करें। सब्जेक्ट इज मेंटल हेल्थ फॉर द हेल्थ प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी और डॉक्टर प्रशांत को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शिवानी दीदी को मेमेंटो देके उनका अभिवादन करें। डॉक्टर प्रशांत, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी सूरत वलसाड़ की ब्रह्मा कुमारीज की संचालिका रंजन दीदी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवानी दीदी का फूलों से स्वागत करें। अच्छा, रंजन दीदी जी सबको ब्लेसिंग्स भी देगी।
डॉक्टर कार्तिक बद्रा जो आप सबको मंच से जोड़ रहे हैं वो भी स्वागत करेंगे। रंजन दीदी को रिक्वेस्ट करूंगा सबको आशीर्वाद दे। शांति। आज का विशेष हमारा ये जो डॉक्टर्स को लेकर के कार्यक्रम होने जा रहा है, आप सभी या कहें आपके साथ हम भी आ जाते हैं तो हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली है जो आज हमारी आदरणीय शिवानी दीदी हम सभी के बीच में है। और अभी अभी आप सभी ने इंट्रोडक्शन प्राप्त किया कि शिवानी दीदी जिनको कौन नहीं जानते हैं, टीवी के माध्यम से सभी जानते ही है, लेकिन आप एक ऐसी विशेष प्रतिभा है, एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है कि जिन्होंने अनेक ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेट किया है कि जो जीवन से निराश हताश हो चुके थे, जो डिप्रेशन में थे, और उन्होंने के जीवन के अंदर भी ऐसी एक आध्यात्मिक ऊर्जा भरते हुए आपकी जो एक विशेषता है कि बहुत ही सहज और सरल वाणी, कैसी भी व्यक्ति हो लेकिन हर एक के समझ में आ जाए, इसी प्रकार से जो आपकी समझानी है, और उसके साथ साथ यह भी है कि प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर हर बातों को या परमात्मा की हर शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हुए आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं, और जो भी एग्जांपल्स देते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए हर एक के दिमाग के अंदर वो बात तुरंत बैठ जाती है, समझ में आ जाती है। तो बहुत बहुत हमें खुशी है कि आज हमारे बीच में आप सभी पूरे ही वलसाड डिस्ट्रिक्ट से, ना कि सिर्फ वलसाड डिस्ट्रिक्ट से लेकिन दमन और सिलवासा से भी डॉक्टर्स आज यहाँ पर उपस्थित है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। ना आप हमारे निमंत्रण पर आए हैं, आप प्रभु पिता के निमंत्रण पर आए हैं, और प्रभु पिता के निमंत्रण पर पहुंचना और यहाँ समय पर पहुंचना ये भी एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है, अनुभव किया है कि आबू जाने के लिए भी फाइनल करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, लेकिन लास्ट मोमेंट कोई ऐसा कारण बन जाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप सभी प्रभु पिता के निमंत्रण पर यहाँ तक पहुंच गए, ये भी आपका परम सौभाग्य है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम दीदी को ही देंगे, आज दीदी को सुनने के लिए हम सभी उपस्थित है, तो दीदी जी को ही सुनेंगे। ऑप्शन अब हमारे दिल दिमाग मन और कर्ण जिनको सुनने के लिए आतुर है, शिवानी दीदी मंच आपको समर्पित है। ओम शांति। आज आप में से कुछ चेहरे जाने पहचाने लगते हैं, कौन कौन माउंट आबू आए हैं डॉक्टर्स प्रोग्राम में, देखो, और कौन कौन ने सोचा था लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, वेरी गुड। तो इस सितंबर, कमिंग सितंबर हमें पता है किस किस ने आना है ना, और जो जो
होकर आए हैं वो बाकियों को क्या राय देंगे, एक बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो जैसे दीदी ने कहा, अगली बार मतलब अगले सितंबर में जब आपके पास निमंत्रण पहुंचेगा, पहुंचना तो है ही, उस समय जहां तक हो सके बाकी सब चीज़ों को 3 दिन के लिए समय निकाल लेना। और जब वो समय आप अपने लिए निकालेंगे तो ये मत सोचिएगा कि अपने लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जो भी डॉक्टर्स मेडिटेशन सीखते हैं या माउंट आबू की रिट्रीट में आते हैं, थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस में चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? पेशेंट्स को मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। सो वी शुड नॉट थिंक कि ओ आई एम लीविंग माई पेशेंट्स एंड आई एम गोइंग देयर फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट गोइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम गोइंग फॉर देम। जब ये थॉट प्रोसेस रहेगा आई एम गोइंग फॉर देम, तो फिर एडजस्ट करना और थोड़ा सा टाइम निकाल लेना बहुत ईजी होगा। 1 मिनट साइलेंस में बैठे और अब तक जो सुना उसमें से क्या उठाया है ये सिलेक्ट करो। क्या उठाया है, कौन सी ज्ञान की बात उठा ली है कि ये मुझे करना है, सिलेक्ट कर लेना। बहुत स्पेसिफिक, सुनने में सारी बातें अच्छी लगेंगी क्योंकि ज्ञान की बातें हैं, प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, सुनने में सब अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने आज से इम्प्लीमेंट कौन सी करनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। Anyone would like to share? क्या implement करना चाहते हैं? वहीं से बोलना है। हाँ जी। Oh, very sweet. मन की cleansing. मन में से सारा क्या निकाल देना? हाँ? हाँ? Thought pollution. Very good. हाँ जी। अपने आप को सिर्फ श्रेष्ठ विचार देने हैं, नॉट इवन ऑर्डिनरी। एक होता है नेगेटिव थॉट्स, वो तो नहीं, वेस्ट थॉट्स वो भी नहीं, ऑर्डिनरी भी नहीं, ओनली एलिवेटेड थिंकिंग, श्रेष्ठ चिंतन। और कुछ? हाँ जी। हाँ क्या चीज? हाँ 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 हर दिन कैसे चार्ज करें? हाँ मैं अच्छा हो गया हूँ भी नहीं अभी, मैं अच्छा हूँ भी नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड। यस हाँ जी। हर पल अपने आप को खुश रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरी डे मॉर्निंग 10 to 15 minutes मेडिटेशन। अब इनमें से किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, हैप्पी रहना, थॉट पोल्यूशन, कोई भी मन में उसको हटाना है,
राइट, क्लीन रखना है माइंड को, श्रेष्ठ चिंतन करना है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट लीजिए तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। एंड जैसे ही ये होगा हमारी हीलिंग जहाँ अभी है, हीलिंग मतलब जिनकी हम करते हैं, हमारी तो हो ही जाएगी, लेकिन जिनकी हम हीलिंग करते हैं, जैसे ही हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठती है, हमारी हीलिंग की वाइब्रेशन भी ऊपर उठती है। और ये हर एक प्रोफेशन में होता है। अगर कोई म्यूजिशियन है, अगर कोई परफॉर्मर है, पेंटर है, अगर कोई डांसर है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस्ड है, परेशान है, तो वो डांस तो कर लेंगे, पेंट तो कर लेंगे, क्योंकि आता है, लेकिन जो एनर्जी क्रिएट होगी उनके वो करते हुए, वो थोड़ी एवरेज होगी। और जिस दिन उनका माइंड बहुत एलिवेटेड होगा, बहुत प्योरिटी होगी, बहुत डिविनिटी होगी, तो वो जब परफॉर्म करेंगे तो देखने वाले को सिर्फ यहाँ से नहीं दिखाई देगा। है फर्क दोनों चीज़ों में। सेम फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो। इलाज हम रोज करते हैं, लेकिन जब हम इलाज करते हैं, हमारी दवाइयाँ, हमारे प्रोसीजर्स सब सेट हैं, तो फिर हमें ये चेक करना चाहिए, डिफरेंट डॉक्टर्स, सेम प्रोसीजर, सेम हॉस्पिटल, सेम मेडिसिन, लेकिन फिर भी अलग अलग डॉक्टर्स को मिलकर अलग अलग फीलिंग आती है। आता या नहीं आता? अब सोचो कोई बीमार आया है, परेशान आया है, उदास आया है, टेंशन में आया है, तो उसको सामने से दवा तो चाहिए ही चाहिए, उसको परफेक्ट इलाज तो करना ही करना है अपना, लेकिन उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। एक वायरल को ठीक होने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं, तो बाकी बीमारियों को तो कितने दिन लगेंगे। उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? विजुअलाइज, समबडी इन पेन, डिस्ट्रेस, एंग्शियस, कंफ्यूज्ड, नो क्लैरिटी, अभी क्या होने वाला है। इलाज धीरे धीरे होगा, लेकिन सबसे पहले आपसे मिलते ही क्या चाहिए? कभी कभी अपने आप को दूसरी साइड की कुर्सी पर रखना चाहिए, दैट इज एम्पैथी। कभी कभी अपने को दूसरी कुर्सी पर रखो, चाहे वो पेशेंट है या पेशेंट का केयर गिवर है, फैमिली है, कितनी परेशान हालत में आते हैं। और जब से कोविड पूरा हुआ है तो आपको परेशानियां थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही है? ना दिखाई देती है ना, जल्दी जल्दी एजिटेट हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, क्योंकि इस 2 सालों के अंदर वो बैटरी थोड़ी सी क्या हो गई थी। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा, हम जो इलाज लिखेंगे या करेंगे उसमें टाइम लगता है, लेकिन सबसे पहले उसको, जैसे कोई हमारे घर आता है, हमने 10 चीज़ें उसके लिए खाने के लिए बनाई हैं, क्या आप आते से ही उसको खाना खिलाना शुरू करते हैं? क्यों? आपने सुबह से इतनी मेहनत की, इतनी चीज़ें बनाई उसके लिए, सबसे पहले क्या देते हैं? सबसे पहले पानी चाहिए, पहले खाना बाद में खाएंगे, दैट इज द डिफरेंस। सो फर्स्ट, एनीबडी हु कम्स इन पेन, नॉट फिजिकल ओनली, हियर पेन, कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड, वरिड, फिर ऊपर से पैसे की टेंशन, कितनी सारी टेंशन्स होती हैं, कोई एक थोड़ी होती है, उस सारी चीज़ों में इलाज वो खाना है, जो धीरे धीरे वो एक एक चीज़ खाएगा और ठीक होता जाएगा। लेकिन पानी जो उसको तुरंत सेटल कर देगा वो है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन। आप सबके मेजॉरिटी कमरों में बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट लगे होते हैं,
अवार्ड भी लगे होते हैं, मोमेंटोज भी लगे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको बताऊं, परेशान व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ता जाके। वो कहाँ एक एक चीज़ पढ़ेंगे ऐसे दीवार के ऊपर, वो तो ऑलरेडी आपको सिलेक्ट करके आए आपके पास हैं, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है कि आप कौन हैं। तो सबसे इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है अपने। आपका हॉस्पिटल कैसा भी हो, आपका कैबिन कैसा भी हो, आपके ये सब पड़ा हो, वो सब सेकेंडरी है। जो फर्स्ट इम्पैक्ट किसी पर भी पड़ता है, किसी से भी मिलकर, वो होता है कि मुझे आपसे कौन सी एनर्जी मिली। स्माइल नहीं, स्माइल तो झूठी भी हो सकती है, मतलब आई कैन बी वेरी स्ट्रेस्ड एंड स्माइल, वो नहीं। ऑथेंटिक प्योर पावरफुल वाइब्रेशन जो मिलते ही मेरा मन कहेगा मेरा यहाँ पे सब परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इनसे तो मिल के ही मज़ा आ गया, बाकी तो इलाज होता रहेगा। आई नीड टू फील वेरी सेफ, वेरी सेफ। इवन अगर मैं छोटी सी बीमारी के साथ आई हो, वाइब्रेशन ऐसी मिले जो पहले मेरा मन अच्छा फील करे और दूसरे मुझे एक बहुत सेफ्टी फील हो कि मुझे 100% है यहाँ सब ठीक होने वाला है। और वो सब कैसे होता है, जितना जितना यहाँ की सफाई होती जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आए हैं और हम भी। अब वो कहते हैं हम पेशेंट हैं इसलिए स्ट्रेस्ड हैं, हम कहते हैं हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं तो हमारे से ज़्यादा स्ट्रेस्ड कौन हो सकता है। सो दैट्स वाई चेंज द वर्ड, हम सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं, हम हीलर हैं। डॉक्टर मतलब जिनको सब नॉलेज है, एक्सपर्ट। आधी रात को नींद में भी नॉलेज है क्या करना है, स्टडी किया, प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ, बेस्ट नॉलेज है। आधी रात को नींद में भी आके सर्जरी कर देते हैं, एक्यूरेट, डॉक्टर। हीलर मतलब डॉक्टर है, नॉलेज है, लेकिन साथ साथ वाइब्रेशन ऐसी है जो उनसे मिलके मन। इसीलिए परमात्मा कहते हैं डॉक्टर कभी सिर्फ डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको डबल डॉक्टर होने की ज़रूरत है, कि पहले वो मन को उनके शांत करे फिर उनके शरीर का इलाज करे। मन को शांत करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक उनके मन शांत नहीं होगा तो शरीर का इलाज भी। फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है हाँ। तो सपोज़ डॉक्टर भी स्ट्रेस्ड, पेशेंट भी स्ट्रेस्ड, पेशेंट का परिवार भी स्ट्रेस्ड, और डॉक्टर स्ट्रेस्ड तो नर्स को डांट दिया तो नर्स भी स्ट्रेस्ड, और इतने सब स्ट्रेस्ड लोग हीलिंग करने वाले हैं, एनर्जी नहीं बनती, एनर्जी नहीं बन रही, मतलब इलाज तो हो जाएगा लेकिन जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और यही अगर वाइब्रेशन को ऊपर उठा दिया तो इट विल बी मोर अ स्मूथ एक्सपीरियंस। हमारे पास बॉम्बे में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एक रोबोटिक सर्जन है, वो माउंट आबू आए, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की अटेंड, फिर उन्होंने जाने के बाद डेली क्लास भी की। उनको बहुत गुस्सा आता था, मतलब वो खुद ही सुनाते हैं एक्सपीरियंस कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरी नर्स भी मेरे सामने थोड़ा उतना वाला गुस्सा, ऐसा ऐसे वाला गुस्सा नहीं, ऐसे वाला गुस्सा, ज़्यादा वाला। बट ही वॉज एक्सेलेंट डॉक्टर, एक्सेलेंट डॉक्टर, मतलब दूर दूर से लोग आने हैं उनके पास इलाज करने। फिर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, वो अपनी लाइफस्टाइल ही बन गई, फिर करते गए करते गए। कहते 6 महीने के बाद मुझे सडनली एक दिन ख्याल आया कि आजकल मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ही सेड आई वाज नोन कि मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है ऐसा। तो कहते हैं मेरे को ऐसा लगा कि बड़े दिन से मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हैंडल की है बहुत ज़्यादा। एंड ही वाज शेयरिंग इन माउंट आबू ओनली, ही सेड मैंने उस दिन बैठकर 6 महीने के केसेस को रिव्यू किया कि ये हो क्या रहा है। एंड ही देन सेड व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, ही सेड आई रियलाइज्ड कि कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट ओनली इन व्हाट दे कम विद, कॉम्प्लिकेशन इज़ इन व्हाट वी ऑल्सो क्रिएट बिकॉज ऑफ आर ओन थॉट प्रोसेसेस। एंड ही सेड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं सॉर्टेड होता जा रहा हूँ अपने अंदर,
और जितना मेरे आसपास जो वो थोड़े से लाइट होते जा रहे हैं उनका स्ट्रेस कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले वो फियर में काम करते थे। फियर, डर लगता ना, अब भी डांटेंगे, सबके सामने डांटेंगे, पेशेंट के भी सामने डांट देते थे। तो बेस्ट ऑफ असिस्टेंट, बेस्ट ऑफ इंटर्न, बेस्ट ऑफ नर्स फियर में तो रहेगी। तो कैसे आए देन रियलाइज्ड कि जैसे जैसे हमारी टीम पूरी शांत और स्थिर हो रही है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। एंड ही सेड मेरे को 6 महीने लगे ये रियलाइज होने में, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का कनेक्शन ही नहीं सोचा था कि हो सकता है। दैट इज़ वाइब्रेशन, दैट इज़ एनर्जी। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हमारी वाइब्रेशन नहीं होती, हमारी वाइब्रेशन हमारे साथ सारे जो काम करने वाले हैं उनकी भी वाइब्रेशन होती है, और फिर हम सब जो काम करने वाले हैं हमारी वाइब्रेशन फिर वो उस पेशेंट की वाइब्रेशन है। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, इट्स नॉट फॉर योरसेल्फ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट। तो इसलिए कभी भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास सारा दिन दूसरों का ध्यान रखना है, तो इसीलिए अपने लिए मेडिटेशन करने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। इट्स बीइंग अनफेयर, इट्स बीइंग अनफेयर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशंस क्रिटिकल होती हैं, हेल्थ केयर में बहुत क्रिटिकल भी होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करते करते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चिंता और तनाव में आए हुए लोगों को मिलते 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 उनकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर क्या करने लग जाती है, असर करती है। ऑलवेज यू हैव टू विजुअलाइज, ये आपकी टेबल है, ये आप हैं, और सामने 2-3 लोग आके बैठे हैं, हर कितनी देर बाद, एवरेज 5-10 मिनट्स पेशेंट चेंज, एवरी 5-10 मिनट्स। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली कितने पेशेंट्स, एवरेज 10, 20, 30, 40, कईयों के तो उससे भी ज़्यादा। नाउ आई हैव टू पुट दिस फिगर हियर कि ऑन एन एवरेज मैं सारा दिन के अंदर 50 लोगों से मिल रही हूँ, एंड अगर 50 पेशेंट है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैमिली मेम्बर हु आर कमिंग टू मी इन स्ट्रेस। सो विच मीन्स मेरा एक्सपोजर किसके साथ है सारा दिन, नॉट जस्ट डिजीज्ड बॉडीज। हमें लगता है हम बीमार लोगों से मिल रहे हैं सिर्फ, इसीलिए हम फिजिकल सैनिटाइजेशन, फिजिकल क्लिनलीनेस, वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी कोविड था तो आपकी टेबल पे वो शीट लगी थी ना प्लास्टिक की, बचाव, प्रोटेक्शन। लेकिन हम सारा दिन डिजीज्ड बॉडीज से नहीं मिलते हैं, हम परेशान मन से भी मिलते हैं। अगर एक दिन में यू आर मीटिंग 50 माइंड्स इन पेन, तो सारा दिन एक्सपोजर कौन सी वाइब्रेशन से रहा। और हम अपनी नॉर्मल एवरेज वाइब्रेशन, नॉट वेरी स्ट्रेस्ड, नॉर्मल स्ट्रेस्ड, उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन सारा दिन हम लोअर वाइब्रेशनल लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि दे आर ओनली गोइंग टू कम इन पेन। तो हमारा एक्सपोजर लोअर एनर्जी से सारा दिन होने के कारण हर रोज 365 दिन लोअर वाइब्रेशन से एक्सपोजर होने के कारण धीरे धीरे कुछ सालों में लोगों का वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देता है। डॉक्टर्स का स्ट्रेस इसलिए नहीं होता है कि उनका काम बहुत क्रिटिकल है, उस काम को करना आपको आता है, लेकिन स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि एक्सपोजर टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस है सारा दिन। एक्सपोजर टू पीपल क्राइंग, एक्सपोजर टू पीपल अग्रेसिव, एक्सपोजर, वो वाइब्रेशन हम पर असर करता है, और धीरे 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 वो हमारी एनर्जी को क्या कर देता है। अगर हम यहाँ हैं ऑलमोस्ट 40-50 पे, लेकिन आने वाला 20-30 पर है, तो हम बहुत नज़दीक हैं उसके, तो उसकी वाइब्रेशन का असर हमें करते करते हम भी धीरे धीरे कभी कभी क्या होते हैं, 20-30 पर आ जाते हैं।
फिर हम कहते हैं गुस्सा जल्दी आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, थक रहे हैं, फटीग्ड, नॉट जस्ट बॉडी फटीग, माइंड फटीग. तो अभी जस्ट विजुअलाइज कीजिएगा वो यहाँ पर है. व्हाट इज द वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देयर वाइब्रेशन? व्हाट्स द ओनली वे? गो हायर. क्योंकि एनर्जी कभी ऐसे नहीं फ्लो कर सकती है. एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम डाउन टू अप. एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन. लेकिन जब हम बहुत नज़दीक उनके होते हैं हम पर असर आ जाएगा. लेकिन अगर हम उनसे, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग, सेम लाइक कोविड, एवरीथिंग इज सेम लाइक कोविड. दूर बैठो और मास्क रखो. सिमिलरली वाइब्रेशन वाइज बहुत दूर हो जाओ उनसे. मतलब वो स्ट्रेस्ड में है तो हम स्ट्रेस्ड में नहीं हो सकते हैं. और जब हम भी सिमिलर वाइब्रेशन पर होते हैं तो एक और चीज़ होती है. एक, उनकी वाइब्रेशन हम पर असर कर रही है, और दूसरी, हमारी स्ट्रेस की वाइब्रेशन भी उन पर असर कर रही है. तो वो वैसे ही और फिर थोड़ा सा और वैसे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फेयर. वी आर गिविंग पेन टू समबडी हु इज़ ऑलरेडी इन पेन. लेकिन अगर हम डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, एंड धीरे धीरे होगा, कोई ये दो दिन में नहीं हो रहा, धीरे धीरे भी गो, देन वी आर इमोशनली इम्यून. इट्स लाइक दैट प्लास्टिक शीट जो सामने लग रही है. इट्स लाइक दैट पीपी किट जो हम पहन रहे हैं, जिसको पहनकर हम सीधा पेशेंट के नज़दीक भी जा सकते हैं. तो जितना ध्यान फिजिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल सैनिटाइजेशन, फिजिकल क्लेनलीनेस पे रखते हैं, उतना ही थोड़ा सा ध्यान इमोशनल प्रोटेक्शन, इमोशनल सैनिटाइजेशन पे रखना पड़ता है. नहीं तो धीरे धीरे कभी कभी कुछ डॉक्टर्स को ही स्ट्रेस से आगे भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं. होती है ना, कभी कभी किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कभी किसी को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कुछ डॉक्टर्स को बर्नआउट हो जाता है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क, इट इज़ बिकॉज दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स व्हाइल दे वर वर्किंग. ये काम की वजह से नहीं होता है, ये मन पर उस वाइब्रेशन का इतने सालों का असर, उस वजह से होता है. इसीलिए जैसे फ्लाइट में सबसे पहले क्या अनाउंस किया जाता है, अगर टर्बुलेंस हुई, ऑक्सीजन मास गिरेगा, पहले किसको लगाना? आप विजुअलाइज करेंगे, आप सेंटर की सीट में बैठे हैं और आपके दोनों साइड पर दो बच्चे बैठे हैं, आपके बच्चे, योर चिल्ड्रन. टर्बुलेंस हुई, 3 ऑक्सीजन मास्क फॉल डाउन, एंड बोथ दोज चिल्ड्रन आर क्राइंग एंड पैनिकिंग, है पापा पापा मेरी मदद करो, मामा मेरे को हेल्प करो. एंड आपने अपने आप को पहले ऑक्सीजन मास्क लगाना है, हो जाएगा. हर फ्लाइट पे वो बोलते हैं ये बात, एंड वी हैव टू डू इट. व्हाई डू वी हैव टू डू इट? क्यों करना है, क्यों करना है? फटाफट उनको लगा के फिर भी तो लगा सकते हैं अपने आप को, क्यों करना है, क्यों करना है? पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को क्यों लगाना है? एब्सोल्यूट. जब तक हम उनको लगाने जाएंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन. आग जल रही है, बालकनी से लोग चिल्ला रहे हैं हम खत्म हो जाएंगे, हमें मदद करो, मदद करो, क्या वो लोग ऐसे ही भाग जाते हैं अंदर? नहीं, वो एक मिनट लेते हैं वो वाला अपने ऊपर डालने के लिए. तो एज अ डॉक्टर भी सेम चीज़ करनी होती है. लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं. आज आपके पास इतना काम है, इतना काम है कि आप पूरा दिन की जगह पूरे रात भी अपना हॉस्पिटल में बैठे रहें, और आने वाले समय में ये घटने वाला नहीं है, ये सिर्फ क्या होगा, बढ़ेगा. दो रीज़न की वजह से, एक, लोग अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते, और दूसरा अब यहाँ पर भी ज़्यादा
तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ही, सिर्फ बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए जस्ट यूज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ केयर, कि केयर हैज टू बिगिन विद सेल्फ केयर, केयर हैज टू बिगिन विद सेल्फ केयर। वर्ल्ड फिजिशियन एसोसिएशन ने कुछ साल पहले अपनी ओथ में चेंज लाया और उन्होंने लिखा, यू कैन गो एंड चेक दिस ऑनलाइन, उन्होंने लिखा, डॉक्टर यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम कंपैशन फटीग। क्योंकि जब हम ही तनाव में, हम कंपैशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपैशन मतलब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपैशन सिर्फ सेवा भाव नहीं है, कंपैशन एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। तो आज से ये तो पक्का कर लीजिएगा कि ये कभी मत कहिएगा कि मेरे पास अपने लिए, सपोज हम विजुअलाइज भी करें कि सच्ची में हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर सपोज मैं एवरेज देखूं कि मुझे एवरेज दिन में 50 पेशेंट्स देखने हैं, तो मैं सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ, लेट इवनिंग तक चलती हूँ, देन आई हैव अनदर ऑप्शन, मैं आधा घंटा अपने लिए निकालूं और दो पेशेंट कम देखूं। यस, फेयर और अनफेयर, फेयर और अनफेयर, श्योर श्योर। अब होगा क्या इसके बाद, शुरू में आपको दो पेशेंट कम देखने होंगे, मतलब वो आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना ही निकालना है। तो शुरू में डेफिनेटली आप 50 की जगह 48 देखेंगे, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी सी अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा दिया, आप वो आधा घंटा निकालने के बाद 50 की जगह 52 देख पाएंगे। सिंपल, वाइब्रेशन हाई हुई, इधर क्लटर नहीं चल रहा है, कोई वेस्ट थॉट्स नहीं है, फटाफट फटाफट काम होते हैं, इंट्यूशन पावर राइज हो जाती है, गुस्सा कर नहीं रहे, ना खुद के अंदर नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ना नर्स डर और दर्द की एनर्जी हमारे तरफ भेज रही है, हमारे से मिलकर पेशेंट शांत हो जाता है, कम बोलने में उनको जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वो। जब हमारा माइंड स्कैटर्ड और उनका माइंड भी स्कैटर्ड, तो कितना भी देर एक्सप्लेन करो, कहेंगे डॉक्टर साहब ने ज़्यादा देर बात नहीं किया, जल्दी जल्दी भेज दिया, मुझे तो और भी बहुत कुछ पूछना था। होता है ऐसे कि नहीं, एज एन इंडिविजुअल आप कितनी देर बात कर सकते हैं हर एक के साथ। तो अब हम वो समय पर चल रहे हैं कि शब्दों से लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि उनका माइंड इतना हैसल्ड है कि जितने टाइम में पहले संतुष्ट होते थे उतने टाइम में अब नहीं होंगे, और आने वाले समय में तो उतना भी नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टर्ब्ड माइंड, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। आप 10 मिनट भी दे दें तो भी वो कहेंगे नहीं, अभी तो मुझे 3-4 बातें और पूछनी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। और फिर साथ में उनके पास एक सेकेंड ओपिनियन है गूगल, इतना कुछ पढ़ के आ जाते हैं, वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है क्रिएट। सो टाइम कैन नॉट नाउ सेटिस्फाई पीपल, एंड आने वाले समय में आपको कम टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज डबल लोग सामने बाहर खड़े होंगे। एक ही चीज़ है जिससे आप सामने वाले को संतुष्ट कर सकेंगे, योर एनर्जी, योर एनर्जी। जैसे अगर आप किसी से मिलें जिनका मन बहुत शांत है, स्थिर है, आप बहुत सारे प्रश्न लेकर उनके पास जाएं, कहेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे माइंड में थे लेकिन आपसे मिलकर इट्स फाइन, आई एम फाइन, ओवर, क्वेश्चंस शुड फिनिश, कहेंगे नहीं, दे विल सरेंडर, कि मैंने क्या करना है आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ के, मुझे पता है आप जो कर रहे हो मेरे लिए राइट है, आई सरेंडर, फिनिश्ड। माइंड हैज टू सरेंडर टू द डॉक्टर, जो पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, क्योंकि एक तो इंटरनेट नहीं था, इतने सारे ओपिनियन नहीं लेते थे, ब्लाइंड फेथ के साथ डॉक्टर के पास जाते थे, सरेंडर करते थे, ठीक हो जाते थे। अब प्रश्न चित्त मन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो लाइफ में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, इधर क्वेश्चंस माइंड है। तो जो मन हलचल में होगा उसको शब्दों से आप संतुष्ट कर नहीं सकते,
आप 10 मिनट्स दीजिए, दे विल एक्सपेक्ट 5 मिनट्स मोर. लेकिन उनको संतुष्ट करने का भी एक ही तरीका है, वाइब्रेशन से उनका मन शांत हो जाए. इसीलिए वो आधा घंटा निकालना, दो पेशेंट कम देखना विल एक्चुअली गिव यू फाइनली एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू सी मोर पेशेंट्स व्हेन यू रेज योर वाइब्रेशन, बिकॉज कम टाइम रिजल्ट फास्टर. रिजल्ट मीन्स कंटेंटेड माइंड्स. तो आज से हमने ये बात तो अपने आप को बिल्कुल नहीं कहनी कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है. लाइफस्टाइल तो हमारी भी अफेक्ट हो रही है ना, हो रही है या नहीं लाइफस्टाइल, है ना. आप सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, आप राइट लाइफस्टाइल के एम्बेसडर्स होने चाहिए. यस और नो? फिर कितना भी आप इलाज करें, बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही हैं घटने की जगह. तो अब हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलो अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज, इतना नहीं होगा. अभी सिर्फ वी विल हैव टू ओपनली रिपीटेडली टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ राइट लाइफस्टाइल. लेकिन वो राइट लाइफस्टाइल, हमारी बात तब उनको टच होगी अगर वो राइट लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे. तो अगर कोई आपके पास आता है और आप उसको कहते हो स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है, जल्दी सोया करो, टाइम पे खाना खाया करो, वो आपको देखेगा, बोलेगा डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हो, आजकल के टाइम पे कभी ऐसा ये सब हो सकता है? एंड देन यू विल लुक एट हिम एंड से, मैं डॉक्टर होके ये सब कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो. फुल स्टॉप. उस दिन कहीं से प्रोग्राम में हम थे और किसी ने दूसरे को कहा कि योगा रोज़ करनी चाहिए, फिजिकल योगा. तो सामने वाले ने कहा नहीं नहीं, आधा घंटा मेरे पास टाइम नहीं होता. कहते देश का प्रधानमंत्री आधा घंटा निकाल सकता है हर रोज़, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना सा हाँ हाँ, ये तो बात राइट है. सिंपल बात है. सो व्हेन वी विल गिव देम विद एग्जाम्पल ऑफ आर ओन लाइफ, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, आपका अनुभव. बोलते हैं ना, बच्चे को वापस भेज दिया, उतना सा उसको नहीं बोला कि गुड़ मत खाओ क्योंकि खुद गुड़ खा रहे थे. एक हफ्ता गुड़ छोड़ने के बाद जब बोला तो वो जल्दी मान गया. वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन ऑफ माय पर्सनल लाइफ. तो हम उनको हेल्दी लाइफस्टाइल तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्रभाव डाल पाएंगे, अगर हम खुद वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. किस किस को लगता है मेरी लाइफस्टाइल पूरी तरह से जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है? अब हम इसको लाइव भी नहीं दिखा सकते आपके हाथ. लोग कहेंगे वो ये नहीं फॉलो कर रहे, हम कैसे फॉलो करेंगे? आप कहेंगे हम तो डॉक्टर हैं, वो कहेंगे हम भी कोई घर पे थोड़ी बैठे हुए हैं. बिकॉज एवरी वन इज लिविंग इन दैट काइंड ऑफ टाइम ना, अभी नाउ, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, लेट आना, ट्रैफिक में ना, ये सब चीज़ें. सो वी हैव टू डू इट. कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब आपका काम कम हो जाएगा, आप घर बैठेंगे और अच्छी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है. लाइफस्टाइल इज एक्चुअली अ सेल्फ डिसिप्लिन. लाइफस्टाइल इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल इज प्रायोरिटाइजिंग द सेल्फ. तो आप बताइए आपको कौन सी चीज़ें शुरू करनी चाहिए जो आपको पता है राइट है लेकिन आप नहीं कर रहे. जेनरिक बता दो राइट लाइफस्टाइल में हमें क्या करना चाहिए और देखते हैं इतना मुश्किल कैसे हो सकता है वो. और फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरी चीज मेडिटेशन करनी, वो तो आज से डिसाइड हो गया. और बताइए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, ये तो हम आधी रात को नींद में भी सुना सकते हैं ना दूसरे को, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट. While working, taking pause, yes. As a doctor, is it possible to have a good sleep cycle? बहुत कम वो वाली specializations होती हैं जिनको आधी रात को उठकर जाना पड़ता है हर रोज़, mostly गायनी. लेकिन फिर गायनी दूसरे साइड से बैलेंस हो जाती है कि उनके पास ज़्यादातर हैप्पी लोग आते हैं.
है ना, आपके पास ज़्यादातर तो हैप्पी लोग आ रहे हैं सारे, आपने खुशखबरी सुनानी है सिर्फ सबको, तो वो तो हैप्पी होते हैं, तो आपका स्लीप उधर बैलेंस हो जाता है फिर उसके साथ. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट हैविंग टू गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एक्सेप्ट फॉर वंस इन अ वाइल, रोज नहीं हो रहा. लेकिन सिर्फ सोना काफ़ी नहीं है, डीप स्लीप का एक्सपीरियंस करना. एक और एपिडेमिक चल रहा है एंड दैट इज बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड, एंड मेजॉरिटी बीमारियां भी उस वजह से हो रही हैं क्योंकि लोग स्लीप डिप्राइव्ड है जबकि उनको लग रहा है कि वो बहुत सो रहे हैं. और आपने भी लोगों को सोने के घंटे भी आप बढ़ाते जा रहे हो, उनके बताते जाते हो 7 घंटे, फिर बोलते हैं 8 घंटे, अभी कोई बोलता है 9 घंटे, कितना सोएंगे. हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तो कभी 8-9 घंटे नहीं सोते थे ना. अभी के लोगों को ज़्यादा क्यों सोने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सही नहीं सो रहे. सो वी डोंट नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, वी नीड टू टेल देम हाउ टू एक्सपीरियंस डीप स्लीप. जो हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है माइंड और बॉडी की, वो होती है 10 to 2 के बीच. 10 to 2 इज द हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम, हीलिंग टाइम ऑफ द माइंड एंड बॉडी. अगर मैं 10 की जगह 11 सोती हूँ, आई लूज आउट ऑन 1 आवर. अगर मैं 12 बजे सोती हूँ, आई लूज आउट ऑन 2 आवर्स. तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी आर नॉट स्लीपिंग बाय 10 o'clock. वो तो डिनर खा रहे हैं आजकल उस टाइम पर. सो सिंपल रीजन क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं, लेट डिनर, हैवी डिनर, फिर टीवी, फिर फोन, फिर उसके बाद लेट सोना, फिर लेट उठना, उठते ही चाय पीना, न्यूज़ देखना. ये सिंपल गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं. तो आपके पास लोग तो बढ़ते ही जाएंगे. सो द हाइएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम आफ्टर यू हैड अ लॉन्ग डे एट हॉस्पिटल, मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स पता है, वो कहते हैं घर पहुँच गए ना, अब वो हमारा टाइम है. मैं कहता तो आप अपने टाइम में क्या करते हो, हम टीवी देखते हैं फिर घर जाने के बाद. टीवी इज नो मोर अ डिस्ट्रेसर, इट नेवर वॉज, बट अब तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस पर जिस तरह का कॉन्टेंट इस टाइम आ रहा है, चाहे टीवी चाहे फ़ोन, वो हमारी वाइब्रेशन को ऊपर तो खैर पहले भी नहीं बहुत उठाता था, लेकिन अब वो हमारी वाइब्रेशन को ज़रूर नीचे लेकर आ रहा है. कॉन्टेंट मतलब जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, उसी से थॉट्स क्रिएट होते हैं. दैट इज़ द रॉ मटेरियल, दैट इज़ द इमोशनल डाइट. तो आप सभी पेशेंट्स को जब डाइट बताते हैं ना अब, तो डाइट में एक और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है. दिस इज़ फिजिकल डाइट, दिस इज़ इमोशनल डाइट. सो व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन इज़ हु वी बिकम. तो आप सिर्फ एक ग्राफ बनाइएगा, 25-30 साल पहले से कॉन्टेंट शुरू हुआ है, राइट? पहला फ़ोन, फिर पहला टीवी, फिर पहला कंप्यूटर, फिर इंटरनेट, फिर डिजिटल, फिर सोशल मीडिया, ये सब 30 ईयर्स के अंदर की क्रिएशन है. और 30 ईयर्स पहले डिप्रेशन वर्ड तो खैर, कैंसर भी इतना रेयर था, इतना रेयर था कि किसी को होता था तो इट वॉज़ लाइक अ बिग थिंग, कैंसर हुआ है. आजकल हम ऐसे बात करते हैं, उनको कैंसर हुआ है, दूसरा कहता है अच्छा, बिकॉज इट इज़ सो कॉमन, इट इज़ सो कॉमन. जबकि 30 साल पहले जब होता था तो फिर इलाज भी उतने नहीं थे. इस समय डायग्नोस हो रहा है, प्रिवेंटिव हो रहा है, आप हर साल अपना स्कैन करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, फिर भी वो बढ़ रहा है, तो रीज़न क्या? और जिसको भी कैंसर पता चलता है, वो पहली चीज़ अपने डॉक्टर को पूछता है, मुझे ये हुआ क्यों? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये सारी बीमारियाँ, चाहे मेंटल हेल्थ इशू, वो तो खैर थी ही नहीं 30 साल पहले, तो इट मस्ट बी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, लेकिन फिजिकल हेल्थ इशू एंड इवन रिलेशनशिप इशू. डिवोर्स कितना होता था 30-40 साल पहले? तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट कनेक्शन इज कॉन्टेंट, क्योंकि हम उस तरह की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं. और जब से ये सारे खिलौने हमारी लाइफ में आ गए, टेक्नोलॉजी, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा वेकिंग अप पैटर्न, हमारा खाने का तरीका, सब कुछ अफेक्टेड है.
बहुत कम लोग हैं इस टाइम जो खाना खाते हैं विदाउट स्क्रीन्स, विदाउट स्क्रीन मतलब टीवी या फोन, डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग कभी हेल्थ नहीं देगा, ना माइंड को ना बॉडी को। बेस्ट खाना खा लेते हैं, ऑर्गेनिक खाना खरीदते हैं, लेकिन साथ में कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, तब खा रहे हैं, तो वही पोल्यूशन ना। इधर का केमिकल्स हटा दिया, ऑर्गेनिक खाना खरीदा क्योंकि पैसे हैं, हम महंगा वाला खरीद सकते हैं, लेकिन फिर नहीं ध्यान रखा कि वाइब्रेशन में कितना टॉक्सिन जा रहा है उस खाने के अंदर। ये सारी जो बातें हैं ना, ये भारत की संस्कृति में हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अभी तक जो मेडिकल साइंस है ना, हमने विदेश से बहुत सारी चीज़ें सीखी साइंस, बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी वी हैव टू यूज़ इट हियर एंड गिफ्ट इट देयर, वी हैव टू गिफ्ट इट देयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, मतलब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन्स। हम भी हॉस्पिटल में आते हैं तो डाइटिशियन उसी भाषा में बात करती है, आप कितने प्रोटीन्स खाते हैं, दैट इज नॉट कम्प्लीट। फूड इज नॉट ओनली न्यूट्रिएंट्स, फूड इज वाइब्रेशन प्लस न्यूट्रिएंट। छोटा छोटा बच्चा फोन और आईपैड लगा के खाना खा रहा है, आप तो ये आज के बच्चे जब आपके पेशेंट बनेंगे ना, तब तो आप देखना क्या होने वाला है। उन्होंने माइंडफुल ईटिंग कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, हमने कम से कम बचपन में तो की है ना, तो भी आज हम, जिन्होंने बचपन से ही नहीं की होगी तो उनका इमोशनल हेल्थ का फाउंडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना होगा, नो फोन नो टीवी व्हाइल ईटिंग। आयुर्वेदा में सिखाते हैं अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे और आपने खाना खाया तो वो खाना आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा, इससे अच्छा खाना मत खाइए। लेकिन आज का समाज तो खाना ही नहीं खा सकता फिर, अगर वो जब स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, वो सारा दिन उस हाइपर एक्टिविटी में चल रहे हैं, वी कैन नॉट डू इट। 10 मिनट 15 मिनट खाना खाने में लगते हैं, मन कैसा होना चाहिए, फोकस्ड ओनली ऑन द फूड, माइंड वेरी काम स्थिर। इसीलिए बचपन से सीखा था पहले किसको याद करना है, कहते ना भगवान को शुक्रिया करो, तो मैं सोचती हूँ हर खाने पे शुक्रिया की करने की क्या ज़रूरत है, सुबह एक बार कर दिया, कितनी बार थैंक यू बोलो उनको, बट इट वॉज़ नॉट उसको थैंक यू बोलने के लिए नहीं था ये, इट वॉज़ क्योंकि उसको याद करेंगे तो हमारा माइंड कैसा हो जाएगा, शांत स्थिर, बाकी सारी थॉट्स हटाकर फिर परमात्मा को याद करके खाने में वो वाइब्रेशन डालकर फिर धीरे धीरे खाना खाओ। फिर डाइट अगर एवरेज भी होगी ना, हर एक तो नहीं बेस्ट ऑफ हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, तो भी हेल्थ अच्छी होगी। हम क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कैसे खाते हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है। हम कितना सोते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कितने बजे सोते हैं और कैसे सोते हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप सबको सिर्फ बताएंगे 7 घंटा सो 8 घंटा सो, तो आजकल के बच्चे तो सुबह सोते हैं 7-8 घंटे के लिए, फिर क्या करेंगे। वो कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग माई 7 आवर्स ऑफ स्लीप, सो बिकॉज उनको यही मैसेज कन्वे हो गया है कि 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो जो समय उठने का होता है उस समय वो सोने जा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क इन द राइट वे। इसीलिए बच्चों के अंदर ही इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई है। अभी आपके शहर में बढ़ी, नहीं भी है तो आप सिर्फ एक आधा साल रुको, क्योंकि बड़े शहरों में तो बहुत बढ़ गई है, धीरे धीरे यहाँ भी आ जाएगा। पोस्ट कोविड मैक्सिमम एंग्जाइटी पैनिक अटैक स्कूल चिल्ड्रन। क्यों? रॉन्ग स्लीप साइकिल, आधी आधी रात तक जागते रहना, जाग कर या तो पढ़ रहे हैं या फिर फ़ोन टीवी कंटेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही है, छोटी छोटी बात या बिना बात के भी एंग्जाइटी। एग्ज़ाम के दिन फर्स्ट टॉप आने वाला बच्चा भी एग्ज़ाम के दिन, नीट के एग्ज़ाम के दिन ब्लैंक आउट,
क्या करेंगे, इतनी मेहनत करता है एक बच्चा पूरा जीवन. सो द टाइम इज ओवर वेयर वी कैन कीप टॉकिंग ओनली अबाउट द बॉडी. नाउ द टाइम हैज कम वेयर एवरी डॉक्टर विल ऑल्सो हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द माइंड. नॉट ओनली अ साइकाइट्रिस्ट, सिर्फ साइकाइट्रिस्ट ने ये बात नहीं करनी है, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के पास तो कितने लोग जाते हैं, और वो तो जब जाते हैं तब तो वो ऑलरेडी बीमार होने के बाद जा रहे हैं ना. हमें बीमार होने के बाद की बातें नहीं करनी, वो तो साइकाइट्रिस्ट करेगा. हमने वो बातें करनी है जिससे वो कभी भी मानसिक प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इशू इज इन इमोशनल हेल्थ. इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ. लेकिन इमोशनल हेल्थ का तो कोई डॉक्टर नहीं है, तो फिर कौन बात करेगा इसके बारे में. एवरी डॉक्टर विल हैव टू बिकम एन इमोशनल हेल्थ डॉक्टर, एवरी डॉक्टर. तो जब आप 5 मिनट उनके साथ बात करें, अगर 5 मिनट भी, तो उसमें आप 4 मिनट बॉडी के बारे में बात करें और 1 मिनट आप उनके माइंड के बारे में बात करें, तभी उनका इलाज. लेकिन वो तब होगा पहले. तो क्या हम अपनी स्लीप साइकिल को 10 o'clock से कर सकते हैं? उसके लिए हो सकता है कि शाम को 2 पेशेंट कम देखेंगे. अगर हम 50 लोगों को देखते हैं और 50 को हम स्ट्रेस में देखते हैं, इट्स बेटर हम 40 को देखें लेकिन हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में देखें. वी ओ इट टू देम, वी ओ इट टू देम. भले आपके आसपास के लोग 100 देख रहे हो, इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड. फास्ट ड्राइविंग बेटर है या सेफ ड्राइविंग बेटर है? तो बस जीवन में भी सेफ ड्राइविंग करें, सेफ ड्राइविंग करें, एंड विच मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन. सो आज कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लें, अपने माइंड को कह लें ये मुझे करना है, और एक बार डिसीजन ले लिया अपने आप सारी चीज़ें चेंज हो सकती है उसके चारों तरफ. आज आपके बीच में डॉक्टर मोहित गुप्ता थे, ऐसे और भी बहुत डॉक्टर्स हैं, वो भी सारा दिन हॉस्पिटल में ही है, लेकिन एक भी दिन नहीं होगा. आज सुबह ही वो सुना रहे थे, 19 जब वो 10 साल के थे, 10-12 साल के, एक भी दिन नहीं है जब वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठे हैं मेडिटेशन के लिए, एंड एक भी दिन नहीं है जब उन्होंने मॉर्निंग की स्पिरिचुअल स्टडी क्लास मिस की हो अपनी 7 से 8. जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, काम तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना होगा. और फिर उसके अलावा जब भी बुलाओ, अब सिर्फ आपसे 1 घंटा मिलने के लिए वो दिल्ली से आया है, यहाँ सेवा है, नथिंग टू डू प्रोफेशनली. सो दैट इज़ द सीक्रेट, कि जब अपने लिए टाइम निकालो थोड़ा सा, तो टाइम बढ़ जाता है, काम ज़्यादा हो पाता है, सेवा और ज़्यादा हो पाती है. वो जो एग्जाम्पल है ना, कि अगर वो लकड़हारे ने पेड़ काटना था तो उसको बोला पहले अपनी एक्स को शार्पन करो, बोला टाइम नहीं है. तो फिर मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम. सो वी हैव टू डू इट फॉर आवर माइंड. तो हमें 10 बजे सोना है, बाकी कैलेंडर आप घर जाके सेट कर लेना उसके हिसाब से. और 10 बजे सोने के लिए हमें डिनर कितने बजे खाना चाहिए? गुड, तो वो भी आप एंटर कर देना उसके अंदर. खुद करेंगे नहीं तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, बोलेंगे भी तो वो सामने से अपने 4 रीज़न देंगे, और जब वो रीज़न देंगे आप कहेंगे या आई अंडरस्टैंड, मैं भी नहीं टाइम पे खा सकता. लेकिन जब आप करेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे मैं खा सकता हूँ, आप क्यों नहीं खा सकते टाइम पे. अगर लोग सिर्फ जल्दी खाना खाना शुरू कर दें और अच्छा सोएं, आपके पास तो आधे मरीज वैसे ही कम हो जाएंगे. डू यू वॉन्ट कि आपके पास मरीज कम हो जाए? वो फिर भी नहीं कम होने वाले, क्योंकि कलयुग के एंड तक मरीज बढ़ते जाएंगे. लेकिन हमें अपना कर्म अच्छा करना है, हमें अपना कर्म अच्छा करना है, कि खुद का ध्यान रख के उनको हर चीज़ बार 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 बतानी है. आप जब बोलेंगे ना वो जल्दी मानेंगे.
कहेंगे डॉक्टर साहब ने बोला है तो मुझे ये करना है. तो अर्ली डिनर, लाइट डिनर, अर्ली गोइंग टू स्लीप एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक घंटा बिफोर गोइंग टू स्लीप, नो कंज्यूमिंग एनी नेगेटिव वर्ड. मतलब टीवी, सोशल मीडिया हैंडल्स, नो. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा स्लीप के अंदर. सारा दिन में कॉन्शियस माइंड है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा स्लीप के अंदर, और जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हम लेते हैं सोने से पहले वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है. क्राइम शो देख रहे हैं, अपने पेशेंट्स को बताओ सोने से पहले क्राइम शो देखोगे तो मेरे पास ही आओगे और किधर जाओगे. What are they putting in their mind before going to sleep? उसके बाद नींद आएगी नहीं. Body will sleep, mind will not be able to sleep. इतना horror देख रहे हैं वो सोने से पहले. और कुछ नहीं तो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं. न्यूज़ चैनल कोई रात को सोने से पहले देखने की चीज़ है ही नहीं. 30 years के अंदर न्यूज़ भी कितनी चेंज हो गई है. पहले कैसे सुनाते थे, आज ये हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो सुनाने वाला कैसे बोलेगा आज ये हुआ. इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे. विजुअल इम्पैक्ट, ऑडियो इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट एंड बाकी जो शोर मचाना उसके साथ उसका इम्पैक्ट. नींद कैसे आएगी उसको देखने के बाद. एंड हाइएस्ट TRP ऑफ न्यूज चैनल इज लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, और दोनों टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप. और उसमें क्या डाल दिया, शोर, चिल्लाना, डेथ, क्राइसिस, तो फियर और इनसिक्योरिटी तो क्रिएट होगा ही होगा. बिना बात के डर लग रहा है आजकल लोगों को, कंज्यूम कर रहे हैं. थोड़े दिन पहले आई वॉज ऑन अ फ्लाइट, सुबह के 6 बज पड़े थे, साथ में जो बैठे थे ना वो सुबह सुबह क्राइम शो देख रहे थे अपने आईपैड के ऊपर. मैंने कहा, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा, सुबह सुबह तो तो कहते आज पूरा दिन मेरी मीटिंग है दिल्ली में, मेरे को देखना है स्टोरी में हुआ क्या एंड में, नहीं तो मेरे को याद लगता रहेगा सारा दिन हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या. तो वो 6 बजे मैंने देखना है बिफोर वी लैंड इन दिल्ली. आई सेड ओके, खत्म हो गया, सारा कर दिया, रख दिया. थोड़ी देर के बाद कहते हैं आपसे एक बात पूछनी थी. मैं कहा बताइए. कहते हैं आजकल जब मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ तो मेरे को ऐसे थॉट आता है, गैस ऑफ की मैंने, मैंने गीज़र ऑफ किया, तो ही सेड रोज़ रोज़ बार बार आता है. तो अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने गैस बंद ऑफ करने के बाद उसकी फ़ोटो खींची, घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसकी फ़ोटो खींची, बिकॉज इट वॉज ट्रबलिंग हिम सो मच एंड दिस इज़ नो स्टोरी. ही शोड मी द फोटो, कहता देखो लॉक लगाने के बाद फ़ोटो, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ ना, मेरे को बार बार ये थॉट आएगा कि मैंने दरवाजे को लॉक लगाया कि नहीं लगाया. एंड इतना अच्छे से ही वॉज एक्सप्लेनिंग, बट उसको ये नहीं आया थॉट कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ. ही सेड व्हाट डू आई हैव टू डू. सुबह सुबह 6 बजे, वो कंटेंट ऐसी चीज़ है कि वो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी देखना है तो कम से कम मॉर्निंग एंड नाइट तो नहीं हो सकता इस तरह का कंटेंट. सो दिस इज़ वी हैव टू प्रैक्टिस, देन वी हैव टू टेल देम. न्यूज़ सुननी है, देखनी है, प्रिंट मीडिया से 5 लाइनों में पता चल जाएगा दुनिया में क्या हो रहा है, उसका इतना सारा. तो एज अ डॉक्टर आपको तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप सारा दिन सराउंडेड बाय वाइब्रेशन ऑफ फियर है. आपका फियर नहीं लेकिन सराउंडिंग बाय वाइब्रेशन ऑफ फियर है. ऊपर से कोई ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करो जो उसके अंदर से भी फियर आएगा, क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और फियर कंज्यूम करना और इस तरह का अग्रेशन कंज्यूम करना. सो वर्ल्ड न्यूज़, क्राइम शोज, ऐसी चीज़ें हमें तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए. एज अ हीलर हमारी वाइब्रेशन में प्योरिटी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए. अगर एंटरटेनमेंट होना भी है तो फिर अच्छा वाला, साफ वाला देखो, और कुछ ना मिले तो पुराना वाला देखो, पुराना वाला देखो, एकदम पुराना पुराना वाला, अभी वाला नहीं. क्योंकि कंटेंट इज़ इक्वल टू पर्सनालिटी इज़ इक्वल टू डेस्टिनी है. और जब से वो फ़ोन पर आ गया है वो बहुत मैनिपुलेटिव है, अडिक्टिव है, वो बार 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 आता रहता है. तो हमारा खुद के ऊपर संयम भी बार बार हम खींच रहे हैं उसकी तरफ. तो कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, इमोशनल डाइट,
फिर रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट का टाइम अपने लिए रखिएगा, ये मस्ट है, एब्सोल्यूट मस्ट। 10 मिनट्स बहुत प्योर कंटेंट अपने अंदर भरे, कुछ भी, कोई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बुक, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई कुछ भी, कुछ भी, बट इट हैज़ टू हैव ऑल हाई वाइब्रेशन वर्ड्स। दैट इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि स्पिरिचुअल कंटेंट सोने से पहले भरे अपने अंदर, 10 मिनट सिर्फ, क्योंकि जो शब्द सबकॉन्शियस में रात को जाएंगे वो ही अगले 6-7 घंटे सिर्फ माइंड पे वर्क नहीं करेंगे, वो ही वाइब्रेशन बॉडी को भी जाती है। हम सो रहे हैं ताकि बॉडी की हीलिंग हो, एनर्जाइजिंग हो, तो नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन जाएगी तो कोई हीलिंग नहीं होने वाली है। लेकिन 10 मिनट अगर पॉजिटिव शब्द भर दिए सोने से पहले, प्योरिटी, कंपैशन, फॉरगिवनेस, रिस्पेक्ट, लव, पीस, कोऑपरेशन, सोने से पहले भर दिया, अब अगले 6 घंटे वो एनर्जी काम करने वाली है माइंड पे भी और बॉडी पे भी, सिर्फ 10 मिनट। फिर 5 मिनट सोने से पहले हम मेडिटेशन जो सीखेंगे हम कल से, वो हम मेडिटेशन करके सोएंगे। आपको मोहित भैया ने संकल्प लिखवाए आपके लिए, लिखे आपने, नहीं लिखे, अच्छा अभी लिखेंगे हम एंड पे, जो वो अफर्मेशंस जो भैया ने अभी बताया कि आई एम सो एंड सो, ऐसे हम 8-10 अपने लिए लिख सकते हैं और रोज़ रात को सोने से पहले हम उसको एक बार कम से कम ज़रूर बोलेंगे एज द लास्ट थॉट। लास्ट थॉट, जब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, सरेंडर करते हैं, एक चीज़ ज़रूर करिएगा, सारा दिन में जो अप्रिसिएशन मिली थी, आपके जितनी अप्रिसिएशन किसी को नहीं मिलते, आपके जितनी ब्लेसिंग्स भी किसी को नहीं मिलते, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत मिलती है और वो अप्रिसिएशन बहुत हाई लेवल की अप्रिसिएशन होती है। आप न होते तो हमारा क्या होता, आप हमारे लिए भगवान हैं, आपने हमारी जीवन बदल दी, आपने मेरे परिवार को बचा दिया, बहुत हाई लेवल वर्ड्स होते हैं रोज़ जब मिलते हैं ना, धीरे धीरे हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैंने इनके परिवार को बचाया है, मेरी वजह से आज ये ज़िंदा है, तो क्या बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ सुन रहे हैं ना, दिन में 50 बार सुनते हैं वो लाइन, आप आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, ईगो बढ़ने लगता है। और जैसे ही ईगो बढ़ने लगता है, अगर किसी ने थोड़ा सा ऑपोजिट वर्ड बोल दिया ना, चाहे पेशेंट, चाहे कलीग, चाहे सामने, चाहे पीठ पीछे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब निंदा स्तुति एक समान, तो ध्यान निंदा में नहीं, ध्यान स्तुति में रखना होता है। पेंड्यूलम है, सेंटर पर रहना चाहिए। अगर अप्रिसिएशन में पेंड्यूलम 20 डिग्रीज इधर गया, तो क्रिटिसिज्म में पेंड्यूलम 20 डिग्रीज इधर जाएगा। अगर अप्रिसिएशन में पेंड्यूलम 60 डिग्रीज इधर गया, तो क्रिटिसिज्म में पेंड्यूलम 60 डिग्रीज इधर जाएगा। तो ध्यान सिर्फ किस में रखना है, अप्रिसिएशन को स्वीकार करना नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ आप नहीं हैं जो उनका इलाज करते हैं, वो अपने कर्म लेकर आपके पास आते हैं, आप उनके कर्मिक अकाउंट का सिर्फ एक हिस्सा है। और आप सबसे ज़्यादा किसको ये पता है कि कई बार जो चीज़ बहुत सहज सरल रख रही होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कई बार आपको लगता है ये तो नहीं बचेगा वो बच जाता है, कई बार आपको लगता है ये तो बिल्कुल ठीक हो गया कल वो, तो फिर उसमें आपकी तो गलती नहीं थी ना, आपने तो ठीक से ही किया था, सो व्हाट वाज द फैक्टर व्हिच चेंज्ड। एवरी पेशेंट वॉकिंग इनटू योर रूम इज वॉकिंग विद देयर कार्मिक अकाउंट एंड देयर डेस्टिनी विद देम, आप उनके कार्मिक अकाउंट का एक हिस्सा हैं, आप उनका भाग्य लिखने वाले नहीं हैं।
भगवान भी कहता है मैं भाग्य लिखता नहीं हूँ, मैं भाग्य लिखने का ज्ञान देता हूँ। तो हम किसी की डेस्टिनी नहीं कर सकते, हम उनके कार्मिक अकाउंट का एक हिस्सा है जिसमें हमारा रोल क्या है, श्रेष्ठ कर्म करना है। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ साथ चल रहा है वो है उनका कर्म। तो कभी कभी आपकी सारी मेहनत और सब एफर्ट के बावजूद कभी कभी कोई नहीं केस ठीक होता है, उस समय बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि एफर्ट किया था बहुत अच्छा, कैसे ऐसे हो गया। लेकिन एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज गिल्ट। हमेशा इलाज करते समय, हमेशा सर्जरी करने से पहले आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। एक है मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेरी टेबल पर पड़े हैं, और एक है मैं इंस्ट्रूमेंट। हीलिंग एंड ईगो कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। ईगो नहीं, वो दूसरे का नुकसान कम, हमारा नुकसान ज़्यादा करता है, तकलीफ बहुत होती है। तो इसलिए रोज़ रात को सारा सो महिमा मिले सरेंडर। अगर महिमा का ऑपोजिट कुछ मिल जाए किसी से भी, फीडबैक ले लें, लेकिन उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी, बोलो ये दोनों चीज़ें आपकी, सिर्फ अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलती है। जो कुछ मुझे मिला वो सरेंडर, मतलब क्लीन योर माइंड, स्पेंड 5 मिनट्स, मन को साफ करें, बातों को समर्पित करें, और फिर वो संकल्प जो अभी हम लिखेंगे उसको रिपीट करके फिर सोएं। तो आप अपने माइंड की सारी जो फाइल्स हैं ना, उनको शट डाउन करके सोना होता है। आजकल लोग वो नहीं करते, थके थके जाते बेड पे बैठे। तो जब फाइल्स को शट डाउन नहीं करेंगे तो रात को सिर्फ बॉडी सोएगी, वो तो सब अंदर का क्लटर फिर भी चल रहा है, और वो क्लटर काफ़ी नहीं है तो बेड पे बैठ के 5 मिनट में फ़ोन देखता हूँ, वो देखते देखते वो 5 का 15 मिनट हो जाता है, और क्लटर ऐड करके फिर हम सो जाते हैं। वी हैव टू साइलेंस द माइंड बिफोर स्लीपिंग। इसीलिए नींद को योग निद्रा कहा जाता है। नींद इज मेडिटेशन, योग है वो, नॉट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप ऐसे गिरते हुए, ऐसा नहीं है। चेक करना है सुबह उठकर हमें कैसा फील होता है, थका हुआ फील होता है, थोड़ा सा और सोने का मन करता है, करता है थोड़ा सा और सोने का मन 5 मिनट और। दिस इज ऑल चेकिंग, मतलब 6-7 आवर्स आई स्लेप्ट, लेकिन मेरा 5 मिनट और सोने का मन कर रहा है, मतलब मेरा एनर्जाइजिंग नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, इसलिए तो 5 मिनट और सोने का मन कर रहा है क्योंकि फाइल्स शट डाउन नहीं हुई थी। तो जैसे खाना 2-3 घंटे पहले खाना चाहिए ताकि डाइजेशन ख़त्म, इसी तरह इन्फॉर्मेशन भी, ताकि नींद में दोनों चीज़ें ना हो, ना इन्फॉर्मेशन की डाइजेशन ना खाने की डाइजेशन। अगर वैसे सोएंगे ना 6 घंटे भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। हम में से कोई भी शायद 10 बजे से पहले तो खैर क्या ही सोएंगे हम, लेकिन 4 बजे के बाद हम कभी सोते हुए नहीं मिलेंगे, और सारा दिन में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन सोने की विधि और सुबह उठते ही 1 घंटा अपने लिए, वो विधि फिक्स्ड है, तो फिर सारा दिन 4:30-4:30 के उठे हुए सुबह से, सारा दिन सेवा पे रहते हुए, रात को 10 बजे तक सोते हुए फ्रेश। इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ आवर्स वी स्लीप, इट इज़ अबाउट हाउ वी स्लीप। नहीं तो आप सारा दिन फ्लाइट में भी देखो,
लोग ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, उनको पूछो रात को सोए नहीं थे? हाँ सोए थे। सुबह सुबह क्यों सो रहे हो 9 बजे? स्लीप डिप्राइव्ड। सो जब आप उनको स्लीप बताते हैं ना, तो डोंट कीप ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर्स, उससे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा सो के, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो ये हमें पहले एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो सोने से पहले 15 मिनट हमारा टाइम है, और 9 बजे के बाद हम कोई नेगेटिव वर्ड अपने अंदर नहीं डालेंगे। सुबह उठने के बाद 1 घंटा हमारा टाइम है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे का समय हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है। जब उस समय उठ जाओ तो जितनी एनर्जाइजिंग एक पूरे स्लीप साइकिल के अंदर होती है 2 घंटे की, उससे ज़्यादा एनर्जाइजिंग आधे घंटे की मेडिटेशन में हो जाएगी। इतनी पावर है उसके अंदर। और जब हम विधिपूर्वक सोते हैं तो अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा अपने आप, क्योंकि हो गई 2 स्लीप साइकिल पूरे हो गए, एनर्जाइजिंग हो गई, माइंड सोएगा ही नहीं उसके बाद, अपने आप नींद खुल जाएगी। अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप नींद खुलेगी, डीप स्लीप। फिर सुबह उठते ही जो अभी हम संकल्प लिखेंगे उसको पहले एक बार रिपीट करना है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है ना, तो हमें उन संकल्पों को रिपीट करना है। और फिर हम मेडिटेशन सीखेंगे कल से, 10-15 मिनट कम से कम हमें मेडिटेशन, हम तो सब 1 घंटा करते हैं, बट स्टार्ट एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने से पहले हमने कम से कम 15-20 मिनट कम से कम हमें कंटेंट अच्छा वाला डाल के फिर अंदर जाना है। ज्ञान मॉर्निंग में वॉक लेते हुए आप साथ में ज्ञान सुन सकते हैं, तैयार होते हुए आप साथ में ज्ञान सुन सकते हैं, गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं आप सुन सकते हैं। लेकिन सुनकर जब जाएंगे ना, मतलब आपने सुबह सुबह अपने माइंड को किस चीज़ से फ्लड कर दिया, पूरी तरह से प्योरिटी, तो आपकी वाइब्रेशन सुबह सुबह क्या हो गई, ऊपर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 3 महीना वाइब्रेशन विल स्टार्ट शिफ्टिंग अपवर्ड्स, क्योंकि हमने क्या करना शुरू कर दिया, राइट इमोशनल डाइट एंड राइट एक्सरसाइज फॉर द माइंड, ज्ञान और योग। फिर सारा दिन सेवा भाव से करते ही हैं हम कर्म, कर्म योगी बनकर करेंगे। क्या हॉस्पिटल में टाइम पर खाना खाया जा सकता है दोपहर का? हमने ना खाना हो तो हम नहीं खा सकते। मैंने भी किया ऐसे पहले बहुत, नहीं नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सेवा बहुत है, टाइम नहीं है। देन आई रियलाइज इट्स नॉट अबाउट सेवा, इट इज़ अबाउट, एंड द डे यू से नहीं मुझे टाइम पर खाना खाना है, तो भले एक आधा पेशेंट आगे पीछे, उसके बाद आपने अपने 10 मिनट्स निकाल ही लेने हैं। सेल्फ केयर टू टेक गुड केयर ऑफ अदर्स, सेल्फ डिसिप्लिन टू बी एबल टू हील अदर्स। तो अपना टाइम रख लीजिए, क्या आपका ब्रेकफास्ट टाइम क्या है, आपका लंच टाइम क्या, आपका डिनर टाइम क्या है। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो 10 मिनट निकाल लीजिएगा, और जब प्रायोरिटी पे रखेंगे तो निकल जाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, तो कहते अभी कुछ और काम आ गया, अभी कुछ और काम आ गया, वो तो आता ही रहता है, वो तो रुकता नहीं है। पुट योर सेल्फ नंबर 1 ऑन योर लिस्ट, दैट इज सेल्फ केयर। कर्म योगी, ज्ञान भरा अपने अंदर, मेडिटेशन सुबह की, अब व्यवहार में अटेंशन। गुस्सा करे बिना हॉस्पिटल में काम हो सकता है? हो सकता है। डांटेंगे भी तो किसको डांटेंगे, पेशेंट को तो डांटते नहीं, तो फिर किसको डांटते हैं, किसको डांटते हैं, किसको डांटते हैं, खुद को क्यों डांटेंगे, खुद को तो नहीं डांटते, खुद को तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, हाँ वो तो है, बट डांटते किसको है। हॉस्पिटल ना एक हीलिंग टेंपल की तरह होता है, जैसे एक मंदिर में घुसते हैं ना तो मन को सुकून मिलता है, ऐसे ही हॉस्पिटल में घुसो तो मन को सुकून मिलना चाहिए।
तो इसीलिए हॉस्पिटल में एंगर तो नॉट अलाउड होना चाहिए। इसलिए हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया है, जिनका अपना अपना हॉस्पिटल है उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में कर दिया, और जिनका अपना नहीं है उन्होंने अपने ओपीडी में तो कर दिया, कि उन्होंने सुंदर सुंदर पोस्टर बना के लगा दिए, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। सिंपल, दिस इज अ नो एंगर जोन। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, पेशेंट को भी गुस्सा करना अलाउड नहीं होता उधर। दिस इज अ नो एंगर जोन। कोई गुस्सा नहीं करता फिर, ना डॉक्टर, ना सिस्टर, ना बाकी लोग जो वहाँ सेवा करते हैं, और ना जो लोग आते हैं। आप सोचो, एक एरिया है, ये कमरा है, आप यहाँ से एंगर भी हटा दो तो फियर भी हट जाएगा, ह्यूमिलिएशन भी हट जाएगा, अग्रेशन भी हट जाएगा, तो कमरे की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? वही तो चाहिए हीलिंग के लिए, वही तो चाहिए हीलिंग के लिए। जब हम अपने नर्व्स को डांट देते हैं, हम तो भूल जाएंगे एक मिनट के बाद, लेकिन उनको तो टाइम लगेगा ना, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करना है ना पेशेंट के साथ। किसकी लाइफ प्रोफेशनली ज्यादा डिफिकल्ट है, आपकी या नर्सिस की? नर्सिस की है ना, फिर हमें उनको डांटना चाहिए क्या? गलतियां वो कर सकते हैं और हमें डिसिप्लिन भी करना है, बट ह्यूमिलिएट नहीं। इस समय लोगों की टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति भी थोड़ी सी कम है, छोटी बात भी ज़्यादा चुभती है। और अगर कोई मेरे कुछ कहने की वजह से दर्द में रहता है, तो वो जितनी देर दर्द में रहता है उतनी देर वो दर्द की एनर्जी किसके पास आती है? मेरे पास ही आती है। तो इट्स एन एनर्जी इन्वेस्टमेंट वी मेक। तो इसको प्रैक्टिस करना है, और इसीलिए वो पोस्टर लगाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो दिखता रहता है बार बार, दिस इज अ नो एंगर जोन। लगा के देखें क्या हुआ, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा। कितने लोग थे पहले, चलते फिरते हर जगह स्मोकिंग करते थे, फिर लग गया ना नो स्मोकिंग, तो लग गया तो हो गया काम, उनका भी कम हो गया, एंड उनकी वजह से जितना दूसरों का नुकसान हो गया, कितने सारे लोग बच गए। किसी ने तो एक थॉट क्रिएट की थी ना कि ये नो स्मोकिंग इन पब्लिक होना चाहिए, तो नो एंगर इन पब्लिक होना चाहिए। गुस्सा करना है तो अंदर जाओ, अकेले जाओ, गुस्सा करके आओ। इतना सब वातावरण क्यों खराब करना चाहिए? होता क्या है, जब हम अपने आप को गुस्सा करने की परमिशन देते हैं, धीरे धीरे वो आदत क्या होती जाती है, करते 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 बढ़ती जाती है। और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पेशेंट देख रहा है गुस्सा करते हुए, क्योंकि इतना थोड़ी ध्यान रहता है फिर उस टाइम, कोई बैठा है उधर, वो बैठा है उस तरह, वो देख रहा है। इट डजंट गिव अ राइट मैसेज। वो डॉक्टर को बहुत अलग नज़र से देखते हैं। और अगर आप सर्जरी करते हैं एंड समबडी सीज यू आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल अच्छे नहीं है ये एनर्जी, करके देखिएगा, नो एंगर जोन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर वो उनके लिए भी अप्लाई करता है कि दे ऑल्सो हैव नो राइट टू कम इन अ हॉस्पिटल एंड स्टार्ट शाउटिंग। उनका चिल्लाना भी राइट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम उनको कैसे मना करेंगे? हम कर रहे हैं तो उनको हम कैसे मना करेंगे? तो हम कहते हैं ये हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ चीज़ें अलाउड नहीं हैं, और फिर उसको नहीं। और जिन्होंने जिन्होंने भी किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, करके देखें। किस पे डाउट आ रहा है, अपने पे, दूसरों पे, या किस सिस्टम पे? किस पे डाउट है, किस पर डाउट है? लगा लेते हैं ना, नहीं हुआ तो उतार देंगे, अब हमने ही लगाया, हमें उतार देंगे, उसको क्या फर्क पड़ता है? करके तो देखें ना उसको, लेट्स डू इट एंड सी व्हाट हैपेंस। अगर हम लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में मेरा सारा गुस्सा चला जाता है, नो इट डजंट हैपन लाइक दैट। आज अगर आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, इतने सारे कोर्ट्स यहाँ वहाँ सब लगे हुए हैं, एक जगह लगा होगा, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन कम बोल रहे हैं, लेकिन जैसे दिख जाता है ना बेनिफिट। तो ये नहीं है कि मैंने नो एंगर जोन लगा दिया तो इसका मतलब कल से मुझे गुस्सा नहीं आए, कैसे ये होगा? नहीं, लेकिन 10 में से 5 बार तो नहीं होगा।
और जब 10 में से 5 बार नहीं होगा बिग कंट्रीब्यूशन, और जो 5 बार नहीं होगा महीने बाद वो 2 बार और कम होगा। ऐसे नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट, कोई भी आदत ब्लैक एंड वाइट चेंज नहीं होती, आज है कल ख़त्म। इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी, क्योंकि गुस्सा हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। वैसे गुस्सा ज़्यादा नुकसान किसका करता है, जो करता है या जिसको डांट पड़ती है? वो तो आपको तो सबसे अच्छा पता ही है, खुद का। तो खुद ही खुद का नुकसान करें बार बार। और जितना हम क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं ना, उस टाइम हम काम जल्दी करवाने के लिए और गुस्सा करते हैं, एंड क्राइसिस रिक्वायर्स द माइंड टू बी, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, किसी दिन हम रॉन्ग टाइम पे गुस्सा कर देंगे। और ये चीज़ याद रखनी है, आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, लेकिन आपके साथ जो इंटर्न खड़ा है, आपके साथ जो नर्स खड़ी है, ज़रूरी तो नहीं है वो भी उतने ही एक्सपर्ट हैं। अगर हमने उनको डांट दिया और उनको डर लगा या उनको ह्यूमिलेशन लगी, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है? हो सकती है? अगर उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई और उनसे कोई गलती हो गई तो? और फिर आपको पता है, आप डांटेंगे नहीं तो भी वो डर में है, फियर ऑफ बीइंग शाउटेड एट। तो फियर एफिशिएंसी को क्या करता है? कई बार आप हॉल में ऐसे बैठे होते हैं, 1000 लोग होंगे, किसी का फ़ोन बज जाता है मोबाइल, 10 लोग ऐसे देखते हैं घूर के, फ़ोन कैसे बजा? दैट लेडी विल टेक आउट हर फ़ोन ऐसे ऐसे पहले, क्योंकि इतने लोग एकदम घूरने लगते हैं ना उनको कि फ़ोन कैसे बज गया, एंड शी नॉट एबल टू साइलेंस द फ़ोन। आई हैव लिटरली सीन ऐसे ऐसे हो जाते हैं, नॉट एबल टू साइलेंस द फ़ोन, फिर वो अपने साथ वाले बने फ़ोन साइलेंट करो। फियर, फियर फिजिकल लेवल तक आता है उसका असर। तो हम एक्सपर्ट होंगे, हम डांटते हुए गुस्सा करते हुए भी कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सब साथ जो हैं दे आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। और उनकी गलती हो या हमारी गलती, तो टीम की बनेगी ना फिर। तो इसलिए हीलिंग के लिए गुस्सा हानिकारक है, और नर्सेस पे तो बहुत इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स अवेयर नहीं होते, पेशेंट के सामने नर्स को डांट देते हैं। अगर बहू के सामने बेटे ने अपने माँ बाप को डांटा ना, तो बहू भी माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बेटा ही ठीक से बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट के सामने अगर पेरेंट ने टीचर को डांटा ना, तो स्टूडेंट भी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि पेरेंट ही आकर डांट के चला जाता है। पेशेंट के सामने अगर डॉक्टर ने नर्स को डांटा ना, तो फिर उसके बाद नर्स के साथ पेशेंट का भी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सो उनके सामने एटलीस्ट हमें कैसे नर्स के साथ करना, जितनी रिस्पेक्ट आप उस सिस्टर को देंगे ना, उससे ज़्यादा फिर वो रिस्पेक्ट पेशेंट उनको देगा, नहीं तो वो भी उनके साथ ऐसे बात करने लगेंगे, पूरा सिस्टम की एनर्जी। सो इट इज़ नॉट फॉर अस ओनली, इट इज़ फॉर द होल एनर्जी, एवरीथिंग इज़ अबाउट द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ईजीली होती जाएंगी अगर हम रोज़ अपने लिए वो थोड़ा सा समय सुबह का बैटरी चार्ज्ड, एनर्जाइज करके फिर करेंगे। तो सुबह की मेडिटेशन, रात की 5 मिनट की माइंड की क्लेंजिंग, सुबह ज्ञान लेना है, 10 मिनट रात को भरना है, लाइफस्टाइल अपना बेस्ट फिट करना है, और कर्म योगी मतलब हीलिंग में निस्वार्थ। कितनी भी आसपास कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दें, कलयुग है, कलयुग का भी अंतिम समय है, बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हाईएस्ट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ कीजिएगा, नॉर्मल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल की डेफिनेशन तो चेंज होती जाती है हर एक दो साल बाद, क्योंकि जो सब कर रहे हैं उसको नॉर्मल बोला जाता है, इवन दो इट माइट नॉट बी द राइट थिंग टू डू। तो सब क्या कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, ये बेंचमार्क नहीं हो सकता। नॉर्मल जो है वो भी हम कर रहे हैं, ये बेंचमार्क नहीं हो सकता। हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जितना हम हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, उसमें हमारी प्रोटेक्शन है, मर्यादाओं पर चलना हमारी सुरक्षा है, लोग आकर
आंख बंद करके विश्वास करके अपना और अपने परिवार का जीवन आपको समर्पित कर देते हैं। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट बनता है, कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर। कोई किसी को अपनी गाड़ी भी देता है ना सर्विसिंग के लिए, तो 10 बार देते हैं, गाड़ी दे रहा हूँ मैं, अपनी गाड़ी दे रहा हूँ। कोई आकर अपना बच्चा ही आपके पास रख देता है। कंप्लीट फेथ, कंप्लीट सरेंडर इन रिटर्न रिक्वायर्स 110% हाईएस्ट प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, हाईएस्ट। नुकसान पेशेंट का नहीं होगा क्योंकि उसका कर्म तो राइट था। सरेंडर एंड फेथ, और जितना हमारी तरफ से हाईएस्ट जाएगा तो वहाँ से फेथ भी इन रिटर्न। फिर ये जो पेशेंट में डाउट हो रहे हैं, पेशेंट गुस्सा कर रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रहे हैं, ये सब क्यों होने लगा सडनली? रीज़न है ना, एनर्जी डायरेक्शन। तो सबके साथ क्या हो रहा है वो भी नहीं सोचना। आपका कर्म सही होगा ना, आपके साथ रिटर्न में कभी गलत आ ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। इवन अगर कुछ गलत हो जाएगा तो पेशेंट की फैमिली आपको कहेगी, डॉक्टर साहब मुझे पता है आपने अपना बेस्ट किया था, बाकी हमारा भाग्य। कोई नहीं जा रहा किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने और ये करने वो करने, अगर हमारे वो मर्यादाएं हमने इतनी ऊंची रखी होंगी जीवन में, वो मर्यादाएं हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज कर्मा, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। नेवर लिव इन फियर देन कि आजकल के पेशेंट, आजकल के पेशेंट। इट्स नॉट पेशेंट, माई कर्मा, माई कर्मा हैज़ टू गो हायर एंड हायर। तो जितना स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, कर्मा की डेफिनेशन अपने आप और ऊपर होती जाएगी। तो संकल्प लिख लें एक बार फटाफट से, आप टाइप कर लेंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे या जैसे भी, बट यू शुड हैव इट विद यू। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल, मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल, मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूँ। संकल्प से सिद्धि है ना, तो जो संकल्प हम बनना चाहते हैं वो संकल्प करना है। हम कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस्ड बढ़ेगा। आई एम हैप्पी ऑलवेज। आई एम फियरलेस, मैं निर्भय निडर हूँ। आई एम अ गिवर, आई एम अ गिवर, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सबको देने वाली, प्यार, सम्मान, केयर, कंपैशन। आई एम अ गिवर, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आई एम एन एंजल ऑफ गॉड। माय माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज, मेरा मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है हमेशा। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, ऑल माई रिलेशनशिप्स स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे सारे रिश्ते विश्वास और सम्मान की फाउंडेशन पर खड़े हैं। निंदा स्तुति, मैं दोनों में एक समान हूँ। आई एम स्टेबल इन अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। परमात्मा की दुआएं मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। God's power and blessings, divine circle of protection around my hospital.
और इसको विजुअलाइज करें, वाइट एनर्जी सर्कल हॉस्पिटल के चारों तरफ, एवरीवन इज हील्ड एंड एवरीथिंग इज स्मूथ। रोज़ आशीर्वाद देना है ये अपने हॉस्पिटल को कि हर एक ठीक होकर जा रहा है और हर एक चीज़ स्मूथली होती जा रही है, कोई क्राइसिस नहीं होगा। God's power and blessings is a divine circle of protection around me. मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। I am safe. I am secure. My life is perfect. रख दीजिए अभी फोन, अब इसकी भाषा को देख लीजिए। भाषा दिख रही है ना कैसी है? वेरी सिंपल, ये एक लैंग्वेज है। जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो आपको ही सिर्फ समझ में आती है, अब आगे हमें नहीं समझ में आती। इसी तरह अफर्मेशन भी एक लैंग्वेज होती है, बहुत सिंपल होती है। लेकिन ये लैंग्वेज क्या है कि जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो कहना है कि वो ऑलरेडी है। बिकॉज वो कहने से हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो रेडिएट करते हैं और ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन मैनिफेस्ट होती है। हीलिंग में तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है। हमारे को कोई भी पेशेंट्स मिलते हैं, हमें ये है, हमें ये, हमें ये है, इलाज आप करते हैं, हम उनको अफर्मेशन लिखना सिखा देते हैं उनके बीमारी के। माय बॉडी, अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, माय बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी। चेंज हो गया मैसेज जो माइंड से बॉडी की तरफ जा रहा है। दूसरा, स्पेसिफिक जो उनकी इलनेस होती है उसके लिए संकल्प उनको देते हैं कि जो भी वो चाहते हैं आपके उनकी बॉडी में हो, दे हैव टू क्रिएट अ थॉट, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। आपका कोई मरीज एडमिटेड है, कुछ उसकी बॉडी में ठीक नहीं चल रहा है पैरामीटर, आप सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं उस दिन क्योंकि उसका कोई पैरामीटर ठीक नहीं चल रहा है, अगर आप उसको बताएंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो कल सर्जरी नहीं हो सकती, बस उसका माइंड उसी डायरेक्शन में जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई। वो हाई तो हाई रह जाएगा, फिर थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। आप बोलो आपका हाई है, लेकिन आपको अपना संकल्प यूज़ करना है और आप बार बार बोलो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, फिगर भी दो। एनर्जी गोइंग फ्रॉम द माइंड टू द बॉडी इज पावर ऑफ हीलिंग। और इतने इतने लोगों ने इलाज कर रहे हैं, ये नहीं इलाज छोड़ के ये कर रहे हैं, लेकिन इलाज के साथ संकल्प शक्ति को भी यूज़ करना ना, मेडिसिन प्लस पावर ऑफ द माइंड ऑफ द पेशेंट, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, उसी को मिरेकल कहा जाता है। मेडिकल साइंस में मिरेकल्स होते हैं ना। मिरेकल्स कौन से होते हैं? आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वो पेशेंट के साथ कुछ और ही हो जाता है। आप प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं, आपका टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर है, आपके पास 2 साल हैं या 1 साल है, लेकिन उस पेशेंट के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस टू लिव होता है। कहते हैं नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं जा सकती इतनी जल्दी। वो 2 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, 5 साल, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है। पावर ऑफ द माइंड इन हीलिंग को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, उसको यूज़ करो तो आपकी परसेंटेज ऑफ मिरेकल्स क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि एवरीबडी कैन यूज़ पावर ऑफ द माइंड, बट उनको आता नहीं है कि पावर ऑफ द माइंड कैसे यूज़ करना है। लेकिन जब हम खुद के लिए करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा, हम उनको भी बता सकेंगे। हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने पेशेंट को अफर्मेशन लिख देते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है ना, तुम ये थॉट क्रिएट करो। पूरा दिन कमरे में बैठे हुए हॉस्पिटल में यही बोलते जाओ, यही बोलते जाओ। अगले दिन आते हैं मिलने उसको, उसको वो ठीक दिखाई देती है, वो वाली चीज़ जो ठीक नहीं चल रही थी। ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो ऑपोजिट सोचता जाएगा, सोचता जाएगा, सोचता जाएगा। अगले दिन आप आएंगे, वहीं की वहीं वो चीज़। यहाँ से मैसेज आ रहा है। तो अब ये 10 थॉट्स हो गई, इसमें आप अपनी कोई भी थॉट और ऐड कर सकते हैं। ये सारी थॉट्स क्या हैं? आई एम स्टेबल, आई एम पावरफुल, I am happy, so this is all opposite of I am stressed. हाँ, एक चीज़ और लिख सकते हैं, I am easy and I have lot of time. Because बहुत बोलते हैं हम सारा दिन, I am busy, I am busy, I don't have time, I am busy, I don't have time. नहीं बोलना,
काम बहुत होगा लेकिन आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, नहीं बोलना, अच्छी एनर्जी नहीं है माइंड और बॉडी के लिए वो। तो जो आप चाहते हैं कि हो वो आपको संकल्प में लिखना है कि वो है। अब इन संकल्पों को हम रात को सोने से पहले दोहरा देंगे, हम इन संकल्पों को सुबह उठते ही दोहरा देंगे। और अच्छे से मैनिफेस्ट करना है, जब खाना खाना है माइंड को साइलेंट करना है तो 5 सेकंड के अंदर इन संकल्पों को दोहरा देंगे। हॉस्पिटल में आप पानी पीते हैं, अभी अभी आपने पावर ऑफ वाटर का सुना था ना, अभी मोहित भैया जब सुना रहे थे, हॉस्पिटल में पानी वाइब्रेशन ऑफ पेन होता है क्योंकि इतना दर्द है उस जगह के अंदर, उसको ऐसे ही नहीं पीना चाहिए कभी भी। 5 सेकंड रुककर उसमें अपने संकल्प डालकर या जो हाई एनर्जी वर्ड आपको डालना हो उसमें डालकर पानी की एनर्जी को चेंज करके फिर पीना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इमोशनल इन्फेक्शन वी कंज्यूम थ्रू फूड एंड वाटर, इसीलिए कहा जाता है आप कौन से शहर का पानी पीते हो। ये सब कुछ भारत की संस्कृति में है, आप कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि आपके संस्कार वो शहर के जैसे होंगे ना, वैसे वाले बनते जाते थ्रू द वाटर। कोविड 1-to-1 अगर जाता है, बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन अगर वही कोविड पानी में चला गया शहर के, सेम विद इमोशन। किसी का स्ट्रेस, किसी का फियर, किसी का ये तो हम कैच करते ही हैं, लेकिन जो इमोशंस शहर की होती हैं वो पानी में चली जाती हैं शहर के, और हॉस्पिटल में बैठ गए तो और ज़्यादा। तो एक तो हॉस्पिटल हमेशा घर का खाना और घर का पानी लेकर जाया कीजिए। और हॉस्पिटल जिनके हैं जहाँ किचन भी है, मतलब किचन में, वहाँ पर उनको बताओ खाना बनाते समय, सारा दिन ही बन रहा होगा वहाँ तो खाना, लेकिन खाना बनाते समय किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले कीजिए। घर में भी कीजिए लेकिन हॉस्पिटल में ज़रूर कीजिए, कुछ भी जो उनको अच्छा लगे, कोई मंत्र, कोई भजन, कोई जो चीज़ अच्छी लगे, किचन में बजती रहे। हाई एनर्जी वर्ड्स अगर खाने में जाएंगे पेशेंट के मन को प्रसाद मिलेगा, प्रसाद। दिस इज ऑल वेरी साइंटिफिक, बट ये साइंस वो वाली है जो करके देखनी पड़ती है और रिजल्ट मिलता है। ये किसी लैब में नहीं प्रूव हो सकती, ये अपने माइंड में ही प्रूव होती है विद एक्सपीरियंस। तो हॉस्पिटल के किचन में शोर नहीं होना चाहिए, चिल्लाना नहीं होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले होने चाहिए। और आपको घर पे भी ये करना चाहिए, प्रसाद खिलाओ हर एक को मन पर, सात्विक खाना खाओ। एक चीज़ ना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट विद अ प्लांट बेस्ड डाइट एंड देन शेयर इट विद एवरीबडी। प्लीज़ शेयर इट विद एवरीबडी। लोगों के ऊपर पिछले कई सालों से हमारे अंदर भी ये था, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अंडा खाना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं ये लेना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं। तो समवेयर दैट इज़ बिकम अ कर्मा। एंड आप राइट बोल रहे थे, उसमें प्रोटीन है, उसमें ये है, उसमें वो ताकत है, बट नाउ सिट बैक एंड चेक, इज़ इट रियली राइट? इज इट रियली राइट? एनर्जी ऑफ डेथ है वो एनर्जी ऑफ डेथ है, वो किसी की डेड बॉडी है। और उस डेड बॉडी की भी पहले वाइब्रेशन कौन सी थी? फियर, एंग्जाइटी, अग्रेशन, हेल्पलेसनेस। तामसिक भोजन में आता है वो, तामसिक भोजन स्वास्थ्य नहीं दे सकता किसी को। तो साइंस, हमने कहीं और से ये बातें सीखी हैं, लेकिन साथ में अपनी साइंस भी ऐड करनी है ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तामसिक भोजन किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, प्रोटीन दे सकता है, B12 दे सकता है, D3 दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल में देख लेना चाहिए कि ज़्यादा वेजिटेरियन लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो फिर जो तामसिक खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उनको तो बीमार होना ही नहीं चाहिए, वो इतने शक्तिशाली हैं अगर तो। तो अपना कर्मा चेंज करते हैं। अब तो विदेश में भी, वेस्ट में, द डॉक्टर्स आर टॉकिंग ओपनली अबाउट एनिमल प्रोडक्ट, कर रहे हैं ना बात ओपनली। तो वो ओपनली कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं ओपनली बात करते हैं? आपको डॉक्टर पूछते हैं डाइट, बोलते हैं हेल्दी डाइट लेना,
बोलो उसको प्लांट बेस्ड डाइट, डरना नहीं कि वो किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा, हमें अपना कर्म करना है, वो माने ना माने वो उनकी चॉइस है, मैंने अपना कर्म कर दिया आपको बताकर, ये हमारी कॉन्शियंस क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो ये नहीं बोले डॉक्टर बोलते हैं इसलिए हम खाते हैं, वो बोले मुझे टेस्टी लगता है तब हम खाते हैं, चॉइस चॉइस। तो एक्सपेरिमेंट, चेक, एक्सपीरियंस, शेयर ओपनली विद एवरीबडी, शेयर ओपनली विद एवरीबडी। तामसिक भोजन स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, बट एक्सपेरिमेंट करना। तो खाने और पानी से पहले सात्विक भोजन, सात्विक तरह से खाना, और मन की स्थिति को उस समय शांत करके संकल्पों को दोहरा के खाना है। तो आज आप सबके लिए सात्विक भोजन बनाए, सात्विक भोजन जो मधुबन भी माउंट आबू भी गए हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है। बड़ा सिंपल खाना होता है वहाँ पे, सिंपल खाना, नॉर्मल खाना, नॉर्मल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस तो फाइव स्टार होटल में होती हैं, और फाइव स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस सात्विक, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं ना पिएं जो हेल्थ के साथ मैच नहीं करती है। तो कई बार तो हमारे पास डॉक्टर्स पहले पहले तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आने को रेडी नहीं होते थे, कहते मेडिकल कॉन्फ्रेंस आश्रम में, वहाँ तो खाएंगे पिएंगे क्या, वो तो धीरे धीरे आप लोग आए, फिर आपने आकर वापस आकर सबको बोला अच्छा है। तो पहले वी यू स्टार्टेड विद 20 डॉक्टर्स कमिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, अब तो मना करना पड़ता है, उतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि दे थॉट ये ऐसे कौन सा खाना, कौन सा ऐसा खाएंगे सात्विक वाला। तो आज आपके लिए भोजन सात्विक बना है, मेडिटेशन करते हुए बहनें बनाती हैं वो खाना, सिंपल खाना होता है लेकिन वाइब्रेशन में बहुत हाई होता है, मन को सुकून देता है। तो हम साइलेंस में उठेंगे और साइलेंस में वो भोजन लेंगे, फिर आपस में बैठकर आप खाना खाएंगे, लेकिन तब तक 5-10 मिनट मौन रखिएगा। और कल से सेंटर पर मेडिटेशन का कोर्स स्टार्ट होगा, 1 वीक, 2 टाइम रखे हैं, दोनों में से जो भी टाइम हमें सूट करे, मॉर्निंग 7-8 या इवनिंग 7-8, और अगर दोनों टाइम नहीं सूट करे तो जो भी टाइम सूट करे, अगर कल नहीं सूट करे तो जो भी दिन सूट करे, अगर कोई भी दिन सूट नहीं करे तो संडे संडे संडे, आप जो बहाना बताओगे हम आपको उसका आंसर बताएंगे, जब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि बहनें सेवा पर हमेशा अवेलेबल हैं, जो टाइम आपको सूट करे, जो दिन आपको सूट करे, कभी आपको 2 बजे सूट करे, कभी आपको, बिकॉज हॉस्पिटल है ना, तो जैसे जैसे बस एक फ़ोन करना है हम अभी आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, वो तो सबके लिए वो करते हैं लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको पता है कि आप एक मेडिटेशन करेंगे तो आपकी वजह से कितनों का कल्याण होने वाला है। सो यूज़ द सेवा, और बहनें हमेशा सेवा पर उपस्थित हैं, कभी भी आपको हॉस्पिटल में सेवा करवानी हो, किसी की काउंसलिंग करानी हो, किसी को मेडिटेशन के लिए भेजना हो, ICU में कुछ है वहाँ किसी की सेवा करानी हो, कभी भी हो तो बहनें सेंटर से हॉस्पिटल में आ सकती हैं सेवा करने के लिए। टर्मिनल इल पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स का जाने का समय आ चुका है, दे हैव टू बी सेंट विद अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि शरीर फिनिश हो जाएगा लेकिन आत्मा एक नई जर्नी स्टार्ट करती है, उसको बहुत प्यार से भेजना होता है, उसके लिए भी बहनें हमेशा सेवा पर अवेलेबल हैं। तो जब भी आपको 1 मिनट साइलेंस बैठेंगे, उन संकल्पों को दोहरा लेते हैं, और फिर हम साइलेंस में यहाँ से नीचे उतर कर भोजन लेंगे, और फिर कल से मेडिटेशन कोर्स है, या जो भी दिन जो भी टाइम आपको सूट करे। I am pure, powerful soul. Purity is my personality. My every thought, mera har sankalp, shuddh hai, niswarth hai. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I am an instrument of God.
परमात्मा का शुक्रिया, मेरे कर्मों का शुक्रिया कि मुझे सारा दिन सबके दुख हर के उनको सुख देने की सेवा मिली है। वाह मेरा भाग्य, सारा दिन कितनी दुआएं मिलती हैं, वाह मेरा भाग्य। आज से सबका ध्यान रखते हुए मैं लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ। सेल्फ केयर बिफोर आई टेक केयर ऑफ अदर्स, सेल्फ डिसिप्लिन, what I watch, what I read, what I listen, what I eat, what I drink is sattvic, pure. Meditation sahaj hai, easy hai, mere jeevan ka hissa hai. मेरा मन शक्तिशाली और शरीर परफेक्ट हेल्दी है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ, वाइट डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। मेरा हॉस्पिटल नो एंगर जोन है, सिर्फ प्यार और सम्मान की भाषा है। अगले 5-7 मिनट मौन में रहेंगे, साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में नीचे उतरेंगे। जब तक हम थाली में प्रसाद नहीं ले लेते उतना समय हम साइलेंस में रहेंगे, अपनी चेकिंग करते हुए कि मुझे आज से अपने अंदर कौन सी छोटी छोटी चेंजेस लानी है। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा चेंज बट बिग बिग रिजल्ट्स, स्मॉल चेंजेस फॉर बिग रिजल्ट्स, जिससे मेरे पेशेंट्स के अंदर मिरेकल्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी। फिर हम मेडिटेशन सीखेंगे और अगले साल हम आप सबको माउंट आबू में वेलकम करते हैं फॉर द मेडिकल कॉन्फ्रेंस। ज़रूर आइएगा, वो एक अनुभव होता है जो आना चाहिए। इट्स गुड टू बी विद एवरीबडी इन दैट एनर्जी, इन दैट वाइब्रेशन। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे साइलेंस में उठते जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में। पीछे से उठे 3-4 लाइंस और आगे के 3-4 लाइन, ऐसे ऐसे करके उठेंगे तो हम साइलेंस में चलेंगे, फर्स्ट 3 रोज एंड लास्ट 3 रोज। उठ जाए भैया, आप कैमरा हटा लेंगे पीछे से, आगे ले आओ। सभी उठ सकते हैं। डॉक्टर्स भाई बहनों, ध्यान आपसो। गाड़ी नंबर
GJ15CB3677 અત્યારે ટ્રાફિકમાં અડચણ રૂપ છે, પ્લીઝ અત્યારે જઈને એને હટાવી લેશો. GJ15CA9576 GJ15CJ7416 રિપીટ કરું છું, 3677 9576 અને 7416 કોમ્પ્લેક્સ પાસે ઉભેલી છે, હટાવી લેજો. મોબાઈલ ભાઈ હેલો તમને કોઈ ઉભા રહી સર મોબાઈલ ની પછી લેજો સર સર સર